हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। मेरा नाम है अलक पांडे और मैं आया हूं आपके पास एक छोटी सी उम्मीद लेके। तो हमारे नीट फिजिक्स क्रैश कोर्स का ये है डे नंबर 9th और हम स्टार्ट करने जा रहे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे दो लेक्चर के अंदर। तो आज सर्कुलर मोशन के फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सारे एंगुलर वेरिएबल्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन देखेंगे। सर्कुलर मोशन के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की एक्सेलरेशंस होती हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, सब कवर करेंगे। उसके ढेर सारे सवाल भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे भैया, और उसके हम लोग बढ़िया बढ़िया फॉर्मुलेस भी देखेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसके ऊपर भी ढेर सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फॉर्मुले और मेंटॉर्स मेथड्स देखेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि उम्मीद बैच के अंदर नीट का फिजिक्स क्रैश कोर्स चल रहा है फिजिक्स वाला अलग पांडे पे, और उम्मीद बैच के अंदर नीट का ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी क्रैश कोर्स चल रहा है। कहां कहां कहां? कंपटीशन वाला चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने उम्मीद बैच के अंदर केमिस्ट्री और बायो का क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो आप कंपटीशन वाला चैनल पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कहानी सबको पता है कि लेक्चर खत्म होने के बाद क्या करना है, लेक्चर को कैसे देखना है, नहीं पता तो देखो लेक्चर शुरू होगा आंखें खुली रखना, ठीक है तो पता ही सर, जहां पे सवाल आए वहां पे क्वेश्चन को पॉज करना, खुद से ट्राई करना, जब क्वेश्चन खुद से नहीं हो तब पॉज बटन हटा के उसका सोल्यूशन देखना, इस तरह से सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है। इसके बाद जब लेक्चर खत्म हो जाए तो ये नहीं कि उसके बाद जाके अपना भैया चूहा खा लें, भैया मिर्च मसाला डाल के चूहा खाने बैठ गए, नहीं। लेक्चर खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस शीट के सवाल लगाने हैं। प्रैक्टिस शीट में होंगे इस लेक्चर से जुड़े 25 से 30 बढ़िया सवाल। और प्रैक्टिस शीट कहां मिलेगी? प्रैक्टिस शीट मिलेगी फिजिक्स वाला के मोबाइल ऐप में। फिजिक्स वाला का मोबाइल ऐप कहां मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर कहां मिलेगा? मोबाइल फोन में। मोबाइल फोन कहां मिलेगा? तेरे घर में। और जिन लोग को मोबाइल फोन से प्रॉब्लम है वो हमारी वेबसाइट पे, वेब वर्जन पे, physicswala.live पे जाके भी प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको जाना है, आपको बैचेस का एक सेक्शन मिलेगा, या तो लाइव क्लासेस का सेक्शन मिलेगा वेब वर्जन में, और ऐप के अंदर बैचेस का सेक्शन, अपना प्रिय बैच उम्मीद बैच पे दोस्तों आपको जाना है। दोस्तों उम्मीद बैच पे जाएंगे हम लोग, और उम्मीद बैच पे क्लिक करते ही एक ऑप्शन आएगा बाय नाउ का, बस बेटा इसको दबाएंगे और आपके अकाउंट से ढेर सारे पैसे नहीं कटेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बाय नाउ पे दबाएंगे और जीरो फी के अंदर आप उम्मीद बैच में इनरोल हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उम्मीद बैच में एनरोल हो जाएंगे। तो फिजिक्स वाला के ऐप में बैचेस सेक्शन में उम्मीद बैच को क्लिक करेंगे, बाय नाउ आएगा, डरेंगे नहीं, क्लिक करेंगे और उम्मीद बैच में एनरोल हो जाएंगे। फिर वहां से हम डाउनलोड करेंगे प्रैक्टिस शीट और डाउनलोड करके उसके सारे सवाल लगाएंगे। कुछ सवाल नहीं आएंगे फिर क्या करेंगे? सो जाएंगे, ठीक है सो जाना। पर नेक्स्ट डे आके फिजिक्स वाला के ऐप में उम्मीद बैच के अंदर इस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन देखना, जो क्वेश्चंस फंसे हैं उसके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। और बहुत जरूरी है प्रैक्टिस शीट लगाना, जितना जरूरी इस लेक्चर को देखना है एग्जैक्टली उतना ही जरूरी प्रैक्टिस शीट लगाना है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। इट्स इम्पॉसिबल कि अगर मैं कहूं कि मैं सब कुछ यहां पढ़ा दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा सकते हैं पर सारे तरह के क्वेश्चंस कराना इम्पॉसिबल है। तो हमारे कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस शीट में मिलते हैं, उससे आपकी थिंकिंग बढ़ती है, आपका दिमाग बढ़ता है, उससे आपका टेम्परामेंट स्ट्रांग होता है, और अगर वो फंसते हैं तो उसके वीडियो सॉल्यूशन देखने से आपके और कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। तो मैं सभी बच्चों कहना चाहूंगा जो प्रैक्टिस शीट नहीं लगा रहे थे, बेटा उसको जरूर लगाओ, उसके बाद उम्मीद करो कि आप नीट में फिजिक्स के पेपर में 150 प्लस 160 प्लस जा सकते हो। तो सारी बातें क्लियर है, शुरू करें। मेरा नाम है अलक पांडे, चलिए शुरू करते हैं। तो आ जाओ बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। सो टुडेज गोल इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। उसके बाद पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दो तरह के एक्सेलरेशन है। इसके बाद नेट एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां से शुरू की जाए कहानी। चलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो एक यहां पे चूहा था, चूहा पी से पी डैश चला, चूहा कहां से कहां चला? पी डैश से, पी से पी डैश, चूहा टुक 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 करते हुए यहां पहुंचा। चूहे ने जो लीनियर डिस्टेंस कवर किया वो है एस, और सेंटर के रिस्पेक्ट में, सेंटर के रिस्पेक्ट में जो एंगुलर डिस्टेंस कवर किया वो है थीटा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा।
ठीक है। सो पी से पी डैश जाते वक्त एंगल जो आपने कवर किया वो थीटा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ थीटा बाय राइट हैंड थंब रूल, कई लोग को लगता है थीटा का कोई डायरेक्शन नहीं है, है भाई। कैसे निकलेगा? राइट हैंड थंब रूल। अपने राइट हैंड को यहां रखेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे। किस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे? जिस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। सर्कुलर मोशन यूं यूं हो रहा है, फिंगर्स को कर्ल किया, जिधर थंब आएगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल्सो एंगुलर वेलोसिटी। तो अपने राइट हैंड को यहां रखना है, फिंगर्स को सर्कल के फॉर्म में, जिस डायरेक्शन सर्कुलर मोशन हो रहा है उस फॉर्म में कर्व करेंगे, ऐसे घुमाएंगे, थंब से मिलेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। एक और खास बात बच्चों, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। जब 11th में डायमेंशन पढ़ते हैं तो हम लोग दो क्वांटिटी ऐसे पढ़ते हैं जिनके पास डायमेंशन नहीं पर यूनिट होती है। एक होता था प्लेन एंगल, एक होता था सॉलिड एंगल। ये दोनों ऐसी खतरनाक क्वांटिटी है कि इनके पास कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, फिर भी इनके पास यूनिट होती थी। कौन कौन सी यूनिट? अगर हम प्लेन एंगल की बात करें थीटा की, तो यूनिट होती है रेडियन, है ना, रेडियन समझते हैं, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर, ये सब तो याद होगा आपको। रेडियन, पाई रेडियन में क्या होता है? 180 डिग्री होता है। पाई बाई टू रेडियन में बोलूं तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई थ्री में कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई फोर 45 डिग्री, पाई बाई सिक्स 30 डिग्री, ये सबको आपको आता होगा, ठीक है। तो जो इसकी यूनिट होती है थीटा की वो रेडियन होती है, और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। और ये दोनों ऐसी क्वांटिटी है कि इनके पास डायमेंशंस नहीं होते। तो दो फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट हैव डायमेंशन बट स्टिल हैज यूनिट। और बच्चों वो कौन सी क्वांटिटी होती है जिनके पास यूनिट नहीं होती पर डायमेंशन होता है? ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है, बना मत लेना। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बेटा क्या रिलेशनशिप है डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इनके बीच में एक रिश्ता, और रिश्ता है एस इज इक्वल्स टू आर थीटा का। और बेटा थीटा किसमें लिखेंगे? रेडियन में, है ना, ये नहीं यहां 30 डिग्री लिख दिया, थीटा किसमें? रेडियन में। इतनी बात क्लियर है? एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर रेडियस, और थीटा रेडियन में। चलो भाई एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी की बात की, तो बेटा जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, यहां से यहां जाते वक्त आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? इसको हम लोग ओमेगा कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी को वी कहते थे। तो बेटा ओमेगा का फॉर्मूला अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज में क्या हो जाएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी ऊपर लग दो आप कंप्लीट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नीचे टोटल टाइम। इसको ऐसे ही बोल सकते हो आप, क्या? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आपने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी बेटा, क्या होती थी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और ओमेगा का डायरेक्शन भी कैसे निकलता है बेटा? राइट हैंड थंब रूल से, है ना। अगर मान लो हम यूं घूम रहे हैं, यूं, तो राइट हैंड रखना है, फिंगर्स कर्ल करना है, ये डायरेक्शन किसका है? ओमेगा का, जो थंब से आया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे, तो सभी को पता है अगर थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T21 से एवरेज आ रही है तो इंस्टेंटेनियस ओमेगा किससे आएगा बेटा? सभी लोग समझ गए हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ds बाय dt। वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहां पे एंगुलर है, तो ये हो जाएगा d थीटा बाय dt, ठीक है। अच्छा, ओमेगा इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर समझ रहे हो कि एक्सिस के अलोंग होता है ओमेगा का डायरेक्शन। अच्छा, यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकंड। बेटा थीटा किस में होगा? रेडियन में। टाइम किस में होगा? सेकंड में। तो ओमेगा की रेडियन यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड। इसको आप ये रिमेंबर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप भूल जाते हो और आप फ्रीक्वेंसी को एंगुलर वेलोसिटी समझते हो। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी लिखी होती है कि मान लो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है 100 रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो आप कहोगे 100 रेवोल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में 100 रेवोल्यूशन, तो ये तो ओमेगा है। नहीं, ओमेगा की यूनिट क्या होनी चाहिए? रेडियन पर सेकंड। ओमेगा और एफ में डिफरेंस समझना, वरना गलत हो जाएगा खेल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, एक्सियल वेक्टर है, फॉर्मूला भी हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल आ गया क्वेश्चन 1। इफ थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, फाइंड ओमेगा फॉर फर्स्ट 2 सेकंड्स एंड सेकंड एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। तो बेटा जो पहला पार्ट है वो तो एवरेज मांग रहा है कि पहले 2 सेकंड के लिए, फॉर फर्स्ट 2 सेकंड, यानी 0 से लेके 2 सेकंड्स तक का खेल पूछ रहा है आपसे।
तो ये कैसा ओमेगा हो गया, एवरेज हो गया भाई, है ना। ये तो काफी लंबे इंटरवल की बात की, किसी इंस्टेंट की बात नहीं की है। तो ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो बेटा कहां तक जाना है आपको, दो सेकेंड से, तो थीटा इन टू सेकेंड्स माइनस थीटा इन जीरो सेकेंड्स, है ना। दो सेकेंड पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, माइनस जीरो सेकेंड पे, और टाइम कितना लगा बेटा, दो सेकेंड लगा। यहां से बेटा कितना हो जाएगा, ओमेगा एवरेज इज इक्वल्स टू थीटा इन टू सेकेंड्स, थीटा के एक्सप्रेशन में टी की जगह टू रख दो, तो टू स्क्वेयर प्लस टू प्लस वन माइनस थीटा के एक्सप्रेशन में टी की जगह जीरो रख दो, जीरो जीरो, और ये क्या आ गया, वन अपॉन टाइम टू। तो वन वन कैंसिल, चार और दो छः, छः बटे दो तीन, यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ गया ओमेगा एवरेज। दूसरा क्या है, एट टी इज इक्वल्स टू टू सेकेंड्स। तो बेटा दूसरा वाला एट टी इज इक्वल्स टू सेकेंड्स, ये तो इंस्टेंटेनियस हो गया। सो ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू टी, टी का डिफ्रेंशिएशन वन। अब कब पूछा है, t इज इक्वल्स टू टू सेकेंड्स में, तो t की जगह 2 पुट कर दो, 2 इंटू टू प्लस वन कितना हो गया, 5, साथ में रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ओमेगा किस में आता है, रेडियन पर सेकेंड। एवरेज कैसे निकलता है, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टाइम, और इंस्टेंटेनियस d थीटा बाई डी टी से। आगे बढ़ा जाए बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा की कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, अबाउट अ पॉइंट पी ऑन इट सर्कमफेरेंस, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट द सेंटर सी ऑफ द सर्किल, कह रहा है इसके अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल, मान लो पार्टिकल यहां से कहां गया, ए से समझ लो ए डैश पे गया, ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट अ पॉइंट पी, एंगुलर वेलोसिटी हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट होती है। सो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट पी कितनी है, ओमेगा है। क्या पूछा है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट द सेंटर सी ऑफ द सर्किल, क्या अलग होगी, पी के अबाउट ओमेगा है तो सेंटर के अबाउट क्या होगी। बहुत आसान सवाल है, आराम से करते हैं। ए से गए ए डैश पे, किसके अबाउट देखा, पी के अबाउट। तो मान लो जब ए से ए डैश गए तो मान लो यहां एंगल बन रहा थीटा, कितना एंगल बन रहा थीटा, ठीक है, कितना एंगल बन रहा है थीटा। मान लो ए से ए डैश जाने में टाइम लगा टी, अपन कहां गए, ए से ए डैश गए, टाइम लगा टी, और यहां एंगल बना थीटा, ठीक है। सो ओमेगा अबाउट पी इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है थीटा, और टाइम कितना लगा टी, ठीक है। अच्छा, ओमेगा अबाउट सी की बात करते हैं बच्चों। अब सुनो, जब सी के अबाउट देखना है तो ये एंगल पता होना चाहिए, जब पी के अबाउट देखा तो आपने ये एंगल देखा कि पी के अबाउट, आप देखो एंगुलर वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, एंगुलर वेलोसिटी किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में होती है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना एंगल चले थीटा, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना चले। अब इसके लिए आपके क्लास 10th की सर्किल ज्योमेट्री का एक थ्योरम लगता है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज ट्वाइस सबटेंडेड एट द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस पे एंगल थीटा बन रहा है तो सेंटर पे एंगल 2 थीटा बनता है। इस बात को रिमेंबर कर लीजिएगा कि भैया अगर एंगल सबटेंडेड एट सर्कमफेरेंस है ना, एक आर्क का एंगल सबटेंडेड एट सर्कमफेरेंस थीटा है तो एट सेंटर 2 थीटा होगा। सो ओमेगा अबाउट सी, तो सी के अबाउट कितना एंगल चले 2 थीटा, और कितने टाइम में चले उसी टाइम टी में चले, है ना। तो बेटा ये कितना हो गया, ओमेगा पी का 2 गुना हो गया, सो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा पी यानी 2 ओमेगा इज द आंसर। क्लियर है, इस बात को अब याद भी रखिएगा कि अगर सर्कमफेरेंस के अबाउट आपको एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है ओमेगा तो सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी उसकी डबल होती है। तो ऐसे रिमेंबर कर लीजिएगा, ओमेगा अबाउट सेंटर इज 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा अबाउट सर्कमफेरेंस, ओमेगा अबाउट सेंटर इज 2 टाइम्स ओमेगा अबाउट सर्कमफेरेंस। हो सकता है वैल्यू देके पूछ ले कि सर्कमफेरेंस के अबाउट ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड है तो सेंटर के अबाउट 4 हो जाएगा, या उल्टा कर दे, याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिलेशनशिप फिर से आ गया विथ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी।
तो बेटा जो ये ओमेगा होता है इसका रिलेशनशिप टाइम पीरियड के साथ होता है 2π/T, और टी क्या होता है टाइम पीरियड जिसमें एक चक्कर काटा आपने, सबको पता होगा। अच्छा बेटा टाइम को हम लोग 1/f भी लिख सकते हैं, सो ओमेगा क्या हो जाएगा टाइम पीरियड की जगह 1/f पुट कर दो फ्रीक्वेंसी, सो 1/f रखोगे f ऊपर चला गया 2π/f हो गया, ठीक है। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/f भी बोल सकते हैं और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/T भी बोल सकते हैं। बच्चों अब इसमें ध्यान रखना ये जो f है ये क्या है फ्रीक्वेंसी है। मैंने कई बार बच्चों को देखा है f और ओमेगा की यूनिट में कंफ्यूज होते हुए, तो फ्रीक्वेंसी की बेटा जो यूनिट होगी इसकी यूनिट क्या होगी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, इसकी जो SI यूनिट होगी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, बेसिकली यूनिट होगी इसकी सेकंड इनवर्स, रेवोल्यूशन की कोई यूनिट नहीं होती, कितने रेवोल्यूशंस हुए एक सेकंड में ये फ्रीक्वेंसी है, बट ये ओमेगा नहीं है, ओमेगा क्या है 2π/f है या 2π/T है। आगे बढ़ते हैं बच्चों सवाल करते हैं, चलो एक हमारा आ गया AIPMT, बहुत पुराना सवाल है 1995 का, बेसिक सवाल है, फॉर्मूले पे लगा गए। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, क्या दे रखा है ये फ्रीक्वेंसी और क्या पूछा है एंगुलर स्पीड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो बोलो सही यूनिट है क्या, नहीं मिनट में नहीं सेकंड में होना चाहिए, सो 120 रेवोल्यूशन कितनी देर में 60 सेकंड में, अब सही है 0 0 कैंसिल कितना आ गया 2 आ गया आंसर। अब ओमेगा क्या होता है 2π/f, सो 2π/2 कितना हो गया 4π, यूनिट क्या होती है ओमेगा की हमेशा याद रखेंगे रेडियन पर सेकंड, सो 4π रेडियन पर सेकंड, यूनिट याद रखना ओमेगा की, ठीक है रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट बेटा CBSE AIPMT 2001 और ऐसा सिमिलर सवाल अभी रिसेंटली भी पूछा गया है, क्या है टू पार्टिकल्स हैविंग मास m एंड m आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस r एंड r, इफ देयर टाइम पीरियड्स आर सेम देन रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी, क्या बोल रहे हैं एक पार्टिकल m है एक पार्टिकल स्मॉल m है, कैसे घूम रहे हैं m घूम रहा है कैपिटल r रेडियस में और स्मॉल r घूम रहा है स्मॉल r रेडियस में, ये तो बोला है टू पार्टिकल्स हैविंग मास m एंड m आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस कैपिटल r एंड स्मॉल r, इफ देयर टाइम पीरियड्स आर सेम, जो इसका टाइम पीरियड है वही इसका है, तो पूछा है देन द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी, बेटा हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है 2π/T होती है, दोनों का t सेम है तो दोनों का ओमेगा भी सेम होगा, तो बेटा रेशियो क्या हो जाएगा ओमेगा 1/ω2, दोनों इक्वल है तो 1:1 का रेशियो यानी 1, क्लियर है ओमेगा 1/ω2 1, क्यों क्योंकि इनका टाइम पीरियड सेम है। इस पे एक अच्छा सवाल प्रैक्टिस शीट में है, उसमें बोला है टाइम पीरियड इक्वल है तो रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स शायद पूछा है, तो उसको ट्राई करिएगा मजा आएगा, ठीक है तो ऐसा सवाल आपको प्रैक्टिस शीट में मिलेगा बट एग्जैक्टली ये सवाल नहीं है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो 2019 नीट में भी पूछा यही सेम सवाल सेम कॉन्सेप्ट पे है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई आर ए एंड आर बी विद स्पीड वी ए एंड वी बी रिस्पेक्टिवली, देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशंस इज द सेम द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, बेटा कुछ डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बस इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज द सेम, दोनों का टाइम पीरियड क्या है सेम है ना, एक पार्टिकल कौन किसमें घूम रहा है बड़े रेडियस में और एक पार्टिकल घूम रहा है छोटे रेडियस में, एक आर ए रेडियस में है और एक आर बी रेडियस में है, एक का वेलोसिटी वी ए एक का वी बी, हमें क्या करना हमें तो बोल रखा है दोनों का टाइम पीरियड क्या है सेम है और द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, बेटा दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो एंगुलर स्पीड भी क्या होगी सेम होगी, तो आंसर 1:1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है बेटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, बट बेटा ये रिलेशन सभी को याद होगा सभी को पता होगा वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, बट याद रखेंगे ये कहां पे एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में एप्लीकेबल है, सर तो ये चीजें तो सर्कुलर में ही होंगी क्या ये चीजें कहीं और भी होती हैं, बेटा एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन में लिमिटेड नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी आप कहीं भी फाइंड कर सकते हो।
एंगुलर वेलोसिटी आप कहीं भी फाइंड कर सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि लिमिटेड है सर्कुलर मोशन पे, बट अगर सर्कुलर मोशन में पूछ रहा है देन वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है, वी इज इक्वल, बट ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये स्केलर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि कोई और मोशन हो तो v perpendicular is equals to r omega, मान लो सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी नहीं पूछी है, किसी और मोशन में पूछी है, तो v perpendicular is equals to r omega। आपको बिलीव नहीं होगा पर मैंने यूट्यूब पे एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया है एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। यस इट्स ट्रू, अगर आप सर्च करें यूट्यूब पे फिजिक्स वाला एंगुलर वेलोसिटी क्लास 11 सर्कुलर मोशन, कुछ ऐसे ही वर्ड्स डालेंगे आपको मिल जाएगा, तो आप ये वीडियो पाएंगे जिसमें मैंने एंगुलर वेलोसिटी पे एक घंटा पढ़ाया है। तो मैंने आपको बताया कि एंगुलर वेलोसिटी ऐसा टर्म नहीं है जो सिर्फ सर्कुलर मोशन पे डिफाइंड हो, एंगुलर वेलोसिटी किसी भी मोशन में डिफाइन हो सकता है। आपको याद रखना है v परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू r ओमेगा, v परपेंडिकुलर, कौन सी वेलोसिटी रखनी है? परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर? रेडियस के परपेंडिकुलर, है ना, v परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक। तो ओमेगा का जो एक्चुअल फॉर्मूला है बच्चों, ओमेगा का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू लीनियर वेलोसिटी वो होता है v परपेंडिकुलर बाय r। तो ये बात याद रखेंगे, ओमेगा इज v परपेंडिकुलर बाय r। देन वेक्टर फॉर्म में इसी बात को बताया हमने, v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। तो ये बात को आप रिमेंबर कर लीजिएगा, ये बात कई लोग रिमेंबर नहीं करते और इसका सवाल आपको प्रैक्टिस शीट में मिलेगा। यही इसी तरह से उम्मीद सीरीज के अंदर आपको सारी चीजें क्रिस्प फॉर्म में बता रहा हूं। v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये बेटा क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म हो गया। ध्यान से देखो बेटा, ये पार्टिकल यू नाच रहा है, नाचे रे नाचे रे नाचे, ओमेगा कैसा हो जाएगा? सुटुक टू सुटुक टू सुटुक टू, ऐसा हो जाएगा ओमेगा। सही है भाई, सही है बेड़ू, ये ऐसे घूम रहा है ना, तो आपने राइट हैंड की फिंगर्स को कल किया ओमेगा ऊपर। अब मैं यहां पे चाहूं लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना, है ना, सभी को समझ में आ रहा है, इधर आएगी, इसी को हम लोग यहां से देखते हैं। v क्या है? ओमेगा क्रॉस r। पहले बताओ ओमेगा कैसे आया, सभी को फील हो गया ये बात? बहुत अच्छे से फील हो गया। कैसे हुआ है? या ऐसे घूम रहा है तो आपने फिंगर्स को, अरे अरे अच्छे अच्छे, तो ऐसे हुआ है तो कैसे हुआ है? हाँ, तो ये ऐसे घूम रहा है, आपने फिंगर्स को कर्ल किया, थंब आया ओमेगा के डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल किया, थंब आया ओमेगा, ओमेगा इज एन एक्सियल वेक्टर, ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकंड, ये आया ओमेगा। अब वी कैसे आता है? ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, वी ओमेगा क्रॉस आर, देखो ओमेगा से आर को क्रॉस किया, क्रॉस करना सिखाया था ना आपको, वेक्टर पढ़ाया था ना मैंने काइनामेटिक्स के लेक्चर 2 में, मैंने वेक्टर्स पढ़ाया आपको, आपने नहीं देखा तो आप उसको देखें। सो ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, सेकंड या थर्ड लेक्चर में पढ़ाया क्रैश के अंदर, ओमेगा क्रॉस आर। तो ये हो गया आपका यहां पे v का डायरेक्शन, कैसे आया? ओमेगा क्रॉस r, ऐसे बाहर आता हुआ, ठीक है, आउटवर्ड, ओमेगा क्रॉस r। सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, या ओमेगा इज इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर बाय r, इससे ज्यादा यहां से नहीं पूछ सकता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सीबीएसई एआईपीएमटी 1996। देखो सर्कुलर मोशन के लिए आप ये चीज रिमेंबर कर सकते हो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, बट कहीं और अगर आपसे ओमेगा पूछता है तो v परपेंडिकुलर बाय r, ठीक है। अब जितने लोगों को डिटेल में पढ़ना है मैंने वीडियो बताया, एक क्वेश्चन अभी कोशिश करता हूं करा दूं आपको v परपेंडिकुलर वाला भी। पहले ये सिंपल क्वेश्चन करते हैं, बॉडी इज हर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर है, और किस में घूम रही है बॉडी? सर्कल में घूम रही है। इट हैज एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा दे रखा है 10 रेडियन पर सेकेंड, बहुत बढ़िया, और इसके बाद पूछा है व्हाट इज इट्स लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन सर्कुलर पाथ। तो बेटा लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर्कल के लिए? आर ओमेगा, तो आर को एसआई यूनिट में चेंज कर लो, 20/100 मीटर, और ओमेगा कितना है? 10, 0000 उड़ गया, क्या आया? 2, और बेटा लीनियर वेलोसिटी किस में होती है? मीटर पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड में मत मानना, आंसर क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? जिस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन होता था, क्या होता था? चेंज इन लीनियर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। मान लो मैं पूछूं आपसे लीनियर एक्सेलरेशन एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग बोलते थे ना v2 - v1 / t2 - t1, या v माइनस यू लिख दिया ऊपर, है ना। और अगर इंस्टेंटेनियस पूछते तो बेटा क्या लिख देते थे, सभी को पता होगा, dv / dt। बेटा सेम कहानी यहां है, यहां लीनियर की जगह एंगुलर आ गया, अल्फा, अल्फा एवरेज,
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा। और इंस्टेंटेनियस की बात करें, अल्फा इंस्टेंटेनियस, ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। बेटा इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करें, इसकी SI यूनिट की बात करें हम लोग, तो ऊपर देखो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, और नीचे क्या है, टाइम है उसकी सेकेंड, तो ये क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ये बात पक्के से समझ में आनी चाहिए कि अगर कहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखा है, अगर कहीं UCM लिखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM, तो बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है। सर्कल में तो घूमेंगे, और सर्कल में घूमेंगे तो वेलोसिटी तो चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। देखो सर्कल में घूमोगे तो डायरेक्शन तो चेंज हुआ, तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, बट स्पीड कांस्टेंट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। और अगर हम देखें तो हम बोलते हैं वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है, ये भी मैग्नीट्यूड की कहानी है। तो अगर v कांस्टेंट है बेटा, v मतलब मॉड v, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, कहां कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से घूमती है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, तो हम बोलेंगे ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट। और बच्चों अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या होगा, जीरो। तो याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा जीरो होता है, ठीक है। तो सारे सर्कुलर मोशन में अल्फा डिफाइंड हो जरूरी नहीं है, अल्फा क्या होता है, जीरो होता है। SI यूनिट भी क्लियर हो गई, डी ओमेगा बाई टी टी, ये भी ठीक है। तो अगर मान लो हमें ओमेगा दे दे, अल्फा पूछे, तो क्या करेंगे हम लोग, डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे। और मान लो पलट दी कहानी, अल्फा दे के ओमेगा पूछ ले, तो वो भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यहां से देखो डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा डी टी, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, यहां टी वन से लेके टी टू तक, और यहां ओमेगा वन से लेके ओमेगा टू तक। देखो सारा खेल लीनियर वेलोसिटी वाला है, वहां भी हम लोग क्या लिखते थे, अगर आपको याद हो, यहां हम लोग क्या लिखते थे, डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी, इधर इंटीग्रेट कर दिया, इधर टी वन से लेके टी टू तक, वी वन से लेके वी टू तक। अगर ये आप एनालॉगी समझ जाओ तो एंगुलर वेरिएबल्स लीनियर वेरिएबल जैसे ही हैं, सारी इक्वेशन भी वैसी ही है, अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। और अगर मान लो कहीं अल्फा दे के ओमेगा पूछ लिया, ए दे के वी पूछ लेता था, है ना, क्या करते थे, इंटीग्रल ए डी टी। और क्या बोलते थे हम लोग, एरिया अंडर ए टी कर्व किसके बराबर, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर। तो एरिया अंडर एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, बोलो क्लियर है, एरिया अंडर ए टी कर्व, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, एरिया अंडर अल्फा टी कर्व, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो वो सारी इक्वेशन, सारे रिलेशन आप यहां पे भी लगा सकते हो। आगे बढ़ा जाए बच्चों, चलो सवाल आ गया, क्या है, अ रोटेटिंग व्हील चेंजेस एंगुलर स्पीड फ्रॉम 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट टू 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट इन 20 सेकेंड, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन अज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म, पूरे टाइम यूनिफॉर्म है, यानी एवरेज निकालना है आपको। सो आपको फाइंड करना है अल्फा एवरेज, कितना होगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। अब ध्यान से देखो, आपको ओमेगा नहीं, आपको फ्रीक्वेंसी दी है, देखो फ्रीक्वेंसी 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो F1 कितना दे रखा है आपको, 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो बेटा इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में होना चाहिए, सो 1800 बटे 60 कर देंगे, कितना आ गया, 30, है ना, रेवोल्यूशन पर सेकंड F1। इसी तरह से बेटा F2 कितना हो जाएगा, ये भी रेवोल्यूशन पर मिनट है, तो 3000 बटे 60 कर दिया, कितना आया, 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड में आ गए हम लोग, ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकंड में आ गए हम लोग। अब अपन ओमेगा 2 ओमेगा 1 निकाल सकते हैं, क्या होता है ओमेगा, क्या होता है, 2πf, तो ये कितना हो जाएगा, 2πf2 माइनस 2πf1, और नीचे टाइम कितना लगा है बेटा, 20 सेकंड रख दिया, यहां से 2π कॉमन हो गया, F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 20, तो बेटा F2 माइनस F1, 50 माइनस 30 कितना हो गया, 20, तो 2π
इंटू बीस बटे बीस कैंसिल हो गया। अल्फा की यूनिट क्या होगी बेटा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 8th, अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ डिस्क स्टार्ट्स सर्कुलर मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर टाइम टी इट गेन्स एन एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन बाई अल्फा इज इक्वल्स टू, गिवन बाई अल्फा इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस टी, है ना। कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स। ध्यान से पढ़ो, अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ डिस्क, रिम मतलब एज ऑफ अ डिस्क, है ना। ये अगर डिस्क है तो इसकी रिम मतलब यहां पे है पॉइंट। रिम ऑफ द डिस्क स्टार्ट सर्कुलर मोशन फ्रॉम रेस्ट, सर्कुलर मोशन फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 है। स्टार्ट सर्कुलर मोशन फ्रॉम रेस्ट यानी जब टाइम 0 है तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 0 है, है ना। इट गेन्स एन एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन बाय दिस, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर, कब निकालनी है आपको? ओमेगा फाइनल निकालना है, कब? जब टाइम कितना हो गया? 2 सेकेंड्स। क्या अल्फा कॉन्स्टेंट है? नहीं, अल्फा कॉन्स्टेंट नहीं, 3t स्क्वायर माइनस टी है। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होता तो अपन वो इक्वेशन लगा देते। क्या क्या लगा दी? पढ़ाई नहीं है, लीनियर में पढ़ी है, मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सो ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस, देखो ये इक्वेशन लगा सकते थे अपन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, है ना। इसका एंगुलर फॉर्म लिखो, ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा t। बट ये तभी लगाते थे हम लोग, या ये तभी लगाते थे जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता था, है? तो ये भी तभी लगेगी जब यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन हो। ये एंगुलर एक्सेलरेशन देखो टाइम पे डिपेंडेंट है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, समय के साथ बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा है, तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होंगी इस तरह की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली। तो क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए, क्या किया जाए? अल्फा दे के ओमेगा पूछा है, क्या अल्फा को बेटा हम डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं? बिल्कुल बेटा, यहां से क्या डी ओमेगा इज इक्वल्स टू अल्फा डी टी हो जाएगा? यस सर, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, टी वन से टी टू, ओमेगा वन से ओमेगा टू, ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल, बस बेटा इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, फाइनली कितनी है ओमेगा मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी, इनिशियल टाइम कितना है 0, फाइनल टाइम कितना है 2, खत्म हो गया। डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा हो जाएगा 0 से लेके ओमेगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3t स्क्वायर माइनस टी इंटू डी टी 0 से लेके 2, तो बेटा ये हो जाएगा ओमेगा माइनस 0, और इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या होगा, 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 3t³/3, है ना, कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t³/3, माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2। देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में नहीं डरना है ना, 3 बाहर आ जाएगा, t देखो इंटीग्रेशन कैसे होगा, अलग अलग टर्म का अलग अलग होगा, ये तो पता है ना हम लोग, दोनों का अलग अलग करते हैं, 3 बाहर आया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 और t का इंटीग्रेशन t²/2, यहां से 3 और 3 कैंसिल हो गया 0 से लेके 2, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू पहले 2 रखेंगे, 2³ माइनस 2² / 2 माइनस टी की जगह 0 रखेंगे, है ना, पहले 2 रखा 2³ माइनस 2² / 2 फिर 0 रखा तो 0 हो गया, 2³ हो गया 8 माइनस 2² हो गया 4/2, तो 2² = 4, 8 माइनस 2 = 6, और यूनिट क्या होगी रेडियन पर सेकेंड, तो 6 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फॉर कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, जब अल्फा कॉन्स्टेंट हो, जब अल्फा कॉन्स्टेंट हो, तो इसमें आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब ए कॉन्स्टेंट होता था तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर वेरिएबल्स में हम लोग कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कुछ इक्वेशन लिखते थे, जिसको आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या क्या थी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2at² तो लीनियर वेरिएबल्स को हटा के एंगुलर वेरिएबल्स लगा दो। देखो जरा v इज इक्वल्स टू u प्लस at, कंपेयर करो, देखो वही तो है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, और बेटा कब लगाना है ध्यान दो, ये बात याद रखना, बच्चे एंगुलर में पता नहीं क्यों पागल हो जाते हैं, जब यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन हो, है ना। तो देखो ये फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए इनटू टी,
क्लियर हुआ। दूसरा वाला देखो बेटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसको जरा कंपेयर करने की कोशिश करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो वही चीज तो है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ चुका है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। इनिशियल वेलोसिटी की जगह हमने क्या लिख लिया, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी, और ओमेगा क्या है, फाइनल वेलोसिटी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखो क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इनटू a इनटू s। a की जगह आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन, s की जगह आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर याद है कुछ स्पेशल चीजें ही बताई थी हमने कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी, v प्लस u बाई 2। तो ओमेगा एवरेज क्या हो गया, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई 2। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इतनी भी ये बात ऊपर लिख दी जाए, ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल है। तो हमें याद है जब यूनिफॉर्म लीनियर एक्सेलरेशन होता था तो जो एवरेज वेलोसिटी होती थी वो क्या होती थी, v प्लस यू बाई 2। यहां क्या हो गई, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई 2, इनिशियल प्लस फाइनल। ये भी आपको याद होगा, डिस्टेंस क्या होता था, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। कब कर सकते थे ये सब, कभी भी नहीं, जब कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन होती थी। याद है तब हम क्या लिखते थे, ये वाला याद आ गया आपको, ये फॉर्मूला, v एवरेज इज इक्वल्स टू v प्लस u डिवाइड बाय 2। ये वाला याद आया, s इज इक्वल्स टू v एवरेज इनटू टाइम। याद आया, S is equals to V average into time. बस variable replace करने हैं। S क्या था? Linear displacement. Theta क्या है? Angular displacement. V average, linear average velocity. और ये क्या है? Angular average velocity. V plus U divide by 2. Clear? Analogy से पकड़ेंगे। ये क्या है? Distance covered in the nth second. यहाँ पे कौन सा distance होगा? Angular distance हो जाएगा. So वो क्या था? S is equals to U plus A by 2. 2n माइनस 1, देखो सेम है, s की जगह थीटा आ गया, और ये कब था, डिस्टेंस कवर्ड इन दी nth सेकेंड, यहाँ पे th सेकेंड लिख दिया है, एक ही बात है, सो डिस्टेंस कवर्ड इन दी th सेकेंड, यहाँ पे हम लोग nth के लिए लिखते थे, th के लिए भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन दी th सेकेंड क्या होगा, u प्लस a बाई 2, 2t माइनस 1। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन th सेकेंड क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस अल्फा बाई 2, 2t माइनस 1। और एंगुलर ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया, एनालॉगी से पकड़ लोगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v की जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, u की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, a की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर s की जगह थीटा डाल दो और सारी इक्वेशन सेम बना लो। ठीक है, अच्छा याद है आपको nth सेकंड का एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, s n माइनस s n माइनस 1, तो वो थीटा में भी लग जाएगा, थीटा tth, थीटा टी माइनस थीटा टी माइनस वन। अब जो लोग भाई क्या कर रहे हैं, सीधा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई मैं पहले भी बोल चुका हूं, आप सीधा आकर अगर गैंग्स ऑफ वासीपुर 2 देखोगे और गैंग्स ऑफ वासीपुर 1 छोड़ दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं पता है कि फैजल के अब्बू का क्या लेजेंडरी है। ये तुम्हें धनबाद में वासीपुर में फैजल के अब्बू की क्या लेजेंडरी है, फैजल के अब्बू ही नहीं जानते हो तुम कौन है, कौन है फैजल के अब्बू, फैजल के अब्बू कौन है, सरदार खान। अब सरदार खान साथ क्या हुआ था, रमाधीर सिंह के साथ उसकी क्यों लड़ाई थी, रमाधीर बहुत अजीब आदमी है, बहुत पावरफुल आदमी है ये समझना, ठीक है, और सरदार खान है एकदम बुद्धि खराब है ना, वो कहता है मतलब मार ही देंगे इसको, और फैजल खान भी वो बदला लेने आया है, पर दिक्कत ये होगी कि फजलू ने उसको फंसा के सरदार खान का मर्डर करा दिया, अब फैजल हो गया गुस्सा है ना, तो इसके लिए वासेपुर देखेंगे एग्जाम के बाद, ठीक है, तो तब वो आएगा मजा, ठीक है, गाली गलौज बहुत है उसमें, पहले से वार्निंग दे दे रहे हैं उसमें, ठीक है, पर स्टोरी बढ़िया है भाई। चलो भाई, तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए इसका इस कहानी का रेफरेंस ये था कि तुमको पिछला पार्ट तभी नया पार्ट तभी समझ में आएगा जब पार्ट 1 देखे होगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द व्हील ऑफ अ मोटर रोटेट्स विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर, देखो मिल गया विथ अ कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा क्या है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और अल्फा कैसा है बेटा, कॉन्स्टेंट है, जब कॉन्स्टेंट है तो वो सारी इक्वेशन लग जाएंगी। इफ द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हील कहां से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से है ना, तो t इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा इनिशियल कितना है 0, उसको ओमेगा नॉट लिखा गया था ना, ओमेगा नॉट लिख लें हम लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा नॉट है ना, ओमेगा नॉट क्या है आपका, इनिशियल है और ओमेगा फाइनल है, ओमेगा नॉट क्या है 0। क्या पूछा है,
हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक इन दी फर्स्ट 20 सेकेंड. सर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन तो पता ही नहीं, बहुत आसान है, आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल आएगी. क्या पूछा है इन्होंने, हाउ मेनी रेवोल्यूशन, कितने चक्कर घूमेगा. ठीक है, तो चक्कर मत चलाना अभी इस उम्र में, ठीक है, पढ़ाई कर लो. हाउ मेनी चक्कर घूमेगा, तो पहले आप क्या निकाल लो, थीटा निकाल लो. यू फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की थीटा कितना है. अब भाई जो जैसे निकाले थीटा, जिसकी जैसे मर्जी वैसे निकाले, जिस श्रद्धा से. मैं थीटा ऐसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इन टू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. सभी लोग को समझ में आया क्या फॉर्मूला है ये, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यही वाला फॉर्मूला यूज किया है मैंने. चलो थीटा इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो एस की जगह आ गया थीटा इज इक्वल्स टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर. सो ओमेगा नॉट कितना है बेटा, जीरो है. प्लस हाफ अल्फा कितना है बेटा, अल्फा चार पाई है ना, चार पाई. और टी स्क्वायर कितना टाइम बीत गया है, फर्स्ट 20 सेकेंड्स. तो टी कितना दे रखा है, 20 सेकेंड दे रखा है. तो इनटू 20 का स्क्वायर कर दिया बेटा. अब क्या होगा, 2 1 2 2 2 4 तो 20 इंटू 20 400 इंटू 2 800. तो 800 पाई. ये तो आंसर नहीं हो सकता कि हो सकता है, ऑप्शन ही नहीं है. खैर थीटा 800 का आंसर है ना, ऑप्शन है. हाउ मेनी रेवोल्यूशन, तो बेटा एक बात बताओ, एक रेवोल्यूशन में आप कितना थीटा घूमते हो, 2 पाई. दो रेवोल्यूशन में 4 पाई. तीन रेवोल्यूशन में 6 पाई, है ना. तो हमको ये बात क्लियर हो गई कि 2 पाई हम घूमते हैं कितनी देर में, एक रेवोल्यूशन में, है ना. 2 पाई घूमते हैं एक रेवोल्यूशन में. तो एक बात बताओ कि 2 पाई रेडियन घूमते हैं एक रेवोल्यूशन में, तो ये बताओ कि 1 रेडियन कितने में घूमेंगे, 1/2 पाई रेवोल्यूशन में. ठीक है, तो थीटा रेडियन कितने में घूमेंगे हम लोग, 1/2 पाई इंटू थीटा रेवोल्यूशन में. तो कोई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बोले तो क्या करें, थीटा डिवाइड बाई 2 पाई कर दे. समझ में आया बेटा, आप 2 पाई रेडियंस, आप 2 पाई रेडियंस घूमते हो 1 रेवोल्यूशन में, है ना. सो 1 रेडियन घूमोगे कितनी देर में, 1/2 पाई रेवोल्यूशन में, है ना. सो आप थीटा रेडियन घूमोगे कितनी देर में, 1/2 पाई इंटू थीटा रेवोल्यूशन. तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, थीटा अपॉन 2 पाई. तो ये बात पकड़ लो, आपसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर पूछे कितने चक्कर घूमे, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई 2 पाई. ठीक है, एक चक्कर में 2 पाई, दो चक्कर में 4 पाई, तीन चक्कर में 6 पाई. तो इतने पाई कितने चक्कर में, तो 800 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई. तो बेटा क्या होगा, पाई पाई को मार देगा, आंसर कितना आ गया, 400 रेवोल्यूशंस. क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट. सेंट्रीपीटल / रेडियल एक्सेलरेशन नॉट एंगुलर. दिस इज अ पॉइंट टू अवेकन योरसेल्फ. दिस इज सेंट्रीपीटल और रेडियल, बट दिस इज नॉट एंगुलर. ये एंगुलर नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट एंगुलर. सेंट्रीपीटल और रेडियल, बट दिस इज नॉट एंगुलर. एंगुलर अलग कहानी है. एंगुलर बेटा कब आता है, जब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तभी एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा. और एंगुलर वेलोसिटी तभी चेंज होगी जब सर्किल में घूमते वक्त पार्टिकल की स्पीड चेंज हो. मैंने अभी क्या कहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होती है. स्पीड कांस्टेंट तो ओमेगा कांस्टेंट, तो अल्फा जीरो हो जाता है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या सभी सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन हमेशा रहता है. कौन सा, सेंट्रीपीटल या रेडियल. अगर गोल घूमोगे तो एक एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा, सेंट्रीपीटल. कहानी पढ़ते हैं, व्हेन अ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स स्पीड रिमेन कांस्टेंट. द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. यहां तक समझ में आया, हिंदी में बताएं इसको. जब एक पार्टिकल यूनिफॉर्म का मुझे पता नहीं, सर्कुलर चक्कर में घूमता है, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, पर उसका डायरेक्शन चेंज
हो रहा है, जिस वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा, और इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद रखें, द एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, कब होता है? जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन कब चेंज होता है? हमेशा होता है। तो बेटा जहां होगा सर्कुलर मोशन बेटा वहां होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वहां होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जहां जहां दुनिया में सर्कुलर मोशन हो रहा है वहां वहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना तय है। क्या एंगुलर एक्सेलरेशन होना तय है? नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन होना तय नहीं है। एंगुलर के लिए क्या होना चाहिए? एंगुलर के लिए बोलो साचे दरबार की जाए। बेटा एंगुलर के लिए क्या होना चाहिए? एंगुलर के लिए एंगुलर वेलोसिटी बदलती रहनी चाहिए, यानी पार्टिकल की स्पीड। भाई ओमेगा कब चेंज होगा? कमान यार, ओमेगा तभी चेंज होगा जब वी चेंज हो, यानी स्पीड बदलती रहे तब आएगा अल्फा, और स्पीड नहीं बदल रही तो आएगा सेंट्रीपिटल, और स्पीड बदल रही तो भी आएगा सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल जहां होगा सर्कुलर वहां होगा सेंट्रीपिटल। जितने भी सर्कुलर मोशन सब में सेंट्रीपिटल, क्योंकि सर्कुलर में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज करेगी ही ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। अगर सर्कल में घूमोगे तो वेलोसिटी तो बदलेगी चेंज इन डायरेक्शन। तो जहां सर्कुलर, देखो ये यहां से कॉन्सेप्ट थोड़े से अजीब होते हैं, सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल अल्फा कब होगा कब नहीं। जहां सर्कुलर मोशन वहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, खत्म खेल बेटा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एंड इज गिवन एज। बेटा किधर डायरेक्टेड होती है? टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है। यू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मान लो पार्टिकल वी वेलोसिटी से चल रहा आर रेडियस के अंदर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां भी किधर होगी बेटा? टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द सेंटर। इसीलिए बेटा इसको कई बार हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडियल बोल देते हैं। अब रेडियल क्यों बोली? क्योंकि ये अलोंग द रेडियस एक्ट कर रही है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। लाइन लिखेंगे सभी लोग कॉपी में पॉज करके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अगर मुझसे कोई फॉर्मूला पूछे तो मैं बोलूंगा v स्क्वायर बटे r। v की जगह r ओमेगा रखेंगे, ऊपर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक r से r कैंसिल, तो एक फॉर्मूला इसका और बन के सामने आया r ओमेगा स्क्वायर, एक फॉर्मूला और बन के आया r ओमेगा स्क्वायर। अच्छा दूसरी चीज अगर मैं यहां से r एलिमिनेट करूं, सो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, तो r होगा v बटे ओमेगा, तो यहां v बटे ओमेगा रखेंगे, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा, एक फॉर्मूला और बनेगा v इंटू ओमेगा। तो इसमें से कोई भी दो वेरिएबल दे के आपसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछने की आसान सवाल अगर देता है तो आप कर लेंगे। v acceleration is v square by r, या v की जगह r omega रख दिया, r square omega square, एक r से r cancel, r omega square, v is equals to r omega, r की जगह v बटे omega रखा, omega से omega cancel, क्या बचा? v omega। क्लियर है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कई लोग बोलते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, मैं आपका आंसर जानना चाहूंगा, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट? तो मैक्सिमम लोग ने जवाब दिया कि हां वो कांस्टेंट है। अगर मैं पूछूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इन यूसीएम, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वी की वैल्यू बदलेगी? नहीं बदलेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड नहीं चेंज होगी, ओमेगा नहीं चेंज होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा है। कहां बदल रहा है? हमेशा तो सेंटर की तरफ है। अरे अरे अरे, यहां पे देखो साउथ की तरफ है, यहां पे देखो वेस्ट की तरफ है, यहां से देखोगे तो नॉर्थ की तरफ लगने लगेगा। तो इसको हम कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। तो इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि एसी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, एसी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है,
एसी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज कांस्टेंट होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा जीरो होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एसी कांस्टेंट नहीं होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और एसी हमेशा ये होता है, एसी हमेशा ये होता है, जहां सर्कुलर मोशन होता है वहां एसी होता है। आगे बढ़ा जाए भैया, चलो एसी की हवा उड़ा लीजिए। क्या एसी? एसी बहुत देर से हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, बहुत ही हलवा सवाल है, सवाल कराने में कोई दम नहीं है, ठीक है? क्या है बेटा ये? अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये तो करने का मन भी नहीं कर रहा, ऐसा सवाल है, विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। अच्छा, स्पीड कॉन्स्टेंट है, स्पीड कॉन्स्टेंट है यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट, तो ये क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, है ना? एंड टाइम पीरियड टी दे रखा है मेरे को, 0.2 पाई इनटू सेकंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, अब बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सेंट्रीपीटर, अल्फा तो होता नहीं है। जैसे ही हमसे बोल दिया कांस्टेंट स्पीड, टक 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 टूर टक 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 टूर टक 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 टूर टक टक, यानी स्पीड कांस्टेंट UCM, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा AC इज इक्वल्स टू R ओमेगा स्क्वायर। R ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को टाइम पीरियड दे रखा है और ओमेगा को मैं टाइम पीरियड के टर्म्स में रख सकता हूं। सो R ओमेगा स्क्वायर हम लिख देंगे, R ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी का स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करो, R की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज किया, 5/100 2 पाई अपॉन टी। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को? 0.2 पाई सेकंड्स, तो 0.2 पाई का स्क्वायर। यहां से पाई पाई कैंसिल, पॉइंट हटा ऊपर, ये 20 बन जाएगा, 2 1 2 2 10 20, 10 का स्क्वायर 100, 5/100 × 100, 100 से 100 मर जाएगा, कितना आएगा 5, और यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक लीनियर एक्सेलरेशन जैसा टर्म है, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये कैसा टर्म है? लीनियर एक्सेलरेशन जैसा टर्म है। कैसा टर्म है? लीनियर एक्सेलरेशन जैसा टर्म है, ठीक है? तो इसकी यूनिट क्या होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की? हम लोग याद रखेंगे इसकी SI यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ना होके क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहां से खेल थोड़ा घबराने लगता है। अब मान लो इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो चेंजिंग इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होता है, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होता है। अब ये कह रहे हैं अगर स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो चेंजिंग इन सर्कुलर मोशन, दैट इज वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस इन मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी डायरेक्शन में तो चेंज होती ही है सर्कुलर में। अगर कोई वेलोसिटी कोई अपनी स्पीड बढ़ा रहा हो या स्पीड घटा रहा हो सर्कल में घूमते वक्त, नहीं कर सकते कि अपन बाइक चला रहे हैं घूमते वक्त एक्सेलरेटर ले लें, तो अपन स्पीड बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो अगर सर्कल में घूमते वक्त आप अपनी स्पीड भी चेंज कर रहे हो तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। अगर आप अपनी स्पीड चेंज कर रहे हो, दैट इज वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, वी हैव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आता है? जब v का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो, v का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। यहां नहीं लिखते, यहीं लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा कितना होगा? डायरेक्शन क्या होगा? अगर स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, स्पीड घट रही है तो वेलोसिटी के अपोजिट होगा। स्पीड को भाई, अरे यार इस v की वैल्यू को अगर मुझे बढ़ाना है, इस v की वैल्यू को अगर मुझे बढ़ाना है, मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है, तो एक्सेलरेशन इसके साथ होगा, और अगर घटाना है तो एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसमें क्या सोचने की बात है? सो बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? सिंपल dv/dt, सिंपल dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। डायरेक्शन से इसका कुछ मतलब नहीं। एटी किससे आता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड किस रेट पे चेंज हो रहा, और सेंट्रीपिटल किस लिए है बेटा? डायरेक्शन चेंज के लिए। तो दो एक्सेलरेशन है, दो एक्सेलरेशन है सर्कुलर मोशन में, एक सेंट्रीपिटल कब होता है? हमेशा, जहां होगा सर्कुलर वहां होगा सेंट्रीपिटल। क्यों? क्योंकि वो हो रहा है चेंज इन डायरेक्शन से, और सर्कुलर में चेंज इन डायरेक्शन हमेशा होता है। दूसरा क्या है? टेंजेंशियल, वो कब होगा? जब स्पीड चेंज हो, जब
पार्टिकल स्पीड बढ़ा रहा हो या घटा रहा हो। बढ़ा रहा है तो इसके साथ होगा टेंजेंशियल, घटा रहा है तो इसके अपोजिट। मान लेते हैं अगर बढ़ा रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में हो गया अलोंग द टेंजेंट, इसीलिए इसका नाम टेंजेंशियल रखा है। वेलोसिटी कैसी होती है सर्कुलर मोशन में अलोंग द टेंजेंट, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्योंकि टेंजेंट के अलोंग है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऐसे, घट रही है तो वेलोसिटी के अपोजिट हो जाएगा। अच्छा दूसरी चीज, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो ओमेगा चेंज होगा तो अल्फा भी होगा, है कि नहीं? अपने आप से सवाल पूछो, अगर स्पीड चेंज हुई, अगर स्पीड चेंज हुई, बोलो बोलो हाँ या ना, अगर स्पीड चेंज हुई, अगर स्पीड चेंज हुई तो मुझे ये बताओ, अगर स्पीड चेंज हुई यानी मॉड वी अगर चेंज हो रहा तो क्या ओमेगा नहीं चेंज होगा? बिल्कुल ओमेगा भी चेंज होगा, है ना? क्यों? क्योंकि v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर v की वैल्यू चेंज होगी तो ओमेगा की वैल्यू चेंज होगी, और ओमेगा चेंज होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, यानी यहां पे अल्फा भी होगा, 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 यहां पे अल्फा भी होगा। बेटा अब एक रिलेशन आने वाला है, at इज इक्वल्स टू आर अल्फा, एटी होगा तो अल्फा होगा, एटी नहीं होगा तो अल्फा भी नहीं होगा। बात क्लियर है? अब अल्फा भी होगा हाँ या ना, क्यों हुआ अल्फा? देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए, क्यों हुआ अल्फा? क्योंकि स्पीड चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज होने से अल्फा नहीं आ सकता, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा नहीं होगा क्योंकि वहां स्पीड कॉन्स्टेंट है। स्पीड चेंज हुई तो मॉड भी चेंज हुआ, और मॉड वी चेंज हुआ तो ओमेगा चेंज हुआ, और ओमेगा चेंज एंगुलर वेलोसिटी में चेंज तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। अल्फा भी होगा, और एक रिलेशन आया बेटा, अगर एटी नहीं तो अल्फा नहीं। कई लोग सोच रहे हैं यार ये जो अल्फा है ये एसी से क्यों नहीं रिलेटेड है? अरे भैया एसी के होने से अल्फा होगा क्या? एसी तो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से, वो तो सारे सर्कुलर मोशन में चेंज इन डायरेक्शन है। अल्फा मतलब एंगुलर वेलोसिटी बदल रही है, एंगुलर वेलोसिटी तब बदलेगी जब स्पीड बदल रही हो, और स्पीड बदल रही है क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अगर एटी होगा तभी अल्फा होगा, वरना अल्फा भी नहीं होगा। तो एटी और अल्फा हमेशा साथ में होते हैं, एटी एंड अल्फा साथ में होते हैं। एटी और अल्फा साथ में होते हैं, एटी इज इक्वल्स टू आर अल्फा, एटी इज इक्वल्स टू आर अल्फा। एसी से अल्फा का कोई रिलेशन नहीं है। अब कई लोग क्या होता है याद करते जाते हैं क्या, देखो देखो इसे, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, चमक रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, a इज इक्वल्स टू आर अल्फा, हाँ सही तो है। देखो ये लीनियर है ये एंगुलर है, ये लीनियर है ये एंगुलर है, ये लीनियर है ये एंगुलर है, r से मल्टीप्लाइड है, पर ये कौन सा लीनियर है? ये सेंट्रीपिटल है कि टेंजेंशियल है? टेंजेंशियल, याद रखेंगे ठीक है। तो लिखने को ऐसा कुछ नहीं कि गलत हो गया, ये सही है, आपकी कहानी एकदम सही है, बस ये याद कर लो कि ये इस कहानी के अंदर ये जो ए है ये कौन सा है? टेंजेंशियल, बस इतना क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेट एक्सेलरेशन ठीक है। अब बेटा नेट एक्सेलरेशन में हम लीनियर एक्सेलरेशन की ही बात करते हैं, एंगुलर की नहीं, नेट लीनियर एक्सेलरेशन, ये नहीं बोला इन्होंने, नेट लीनियर एक्सेलरेशन। अब मान लो कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल यूं घूम रहा है, टक 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 टक, मैं चली देखो प्यार की गली। बेटा इस पार्टिकल पे लगने वाले एक्सेलरेशन जरा मुझे बताएं आप। एक होगा सेंट्रीपिटल, सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल होगा ही होगा, ये रहा एसी। एक होगा सेंट्रीपिटल, और बेटा एक होगा टेंजेंशियल। टेंजेंशियल होने की गारंटी नहीं है, कब होगा? जब स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, तब उस टाइम अल्फा भी होता है। टेंजेंशियल पक्का है कि सेंट्रीपिटल पक्का है? सेंट्रीपिटल पक्का है सर्कुलर मोशन में, और टेंजेंशियल हाँ अगर स्पीड चेंज करोगे तो टेंजेंशियल भी आ जाएगा। ये एसी ये एटी, बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट नेट एक्सेलरेशन ये।
ए रिजल्टेंट, इन दोनों का जो नेट एक्सेलरेशन है ए रिजल्टेंट। बेटा यहां से ए रिजल्टेंट क्या होगा, आप देख रहे हो दोनों एक्सेलरेशन कितने पे इंक्लाइंड है, 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो अंडर रूट ए टी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, यस और नो, दोनों कितने पे इंक्लाइंड है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा अगर मैं आपसे बोल दूं ये एंगल थीटा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, सभी लोग एक स्वर में बताएंगे, टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए सी बटे ए टी, टैन थीटा इज इक्वल्स टू ए सी बटे ए टी, है ना। बेटा ए आर का ये कॉम्पोनेंट टेंजेंशियल बनाता है और ए आर का ये कॉम्पोनेंट सेंट्रीपिटल बनाता है। जो नेट एक्सेलरेशन है उसका एक कॉम्पोनेंट टेंजेंशियल बनता है, एक कॉम्पोनेंट सेंट्रीपिटल बनता है। क्लियर है भाई बातें इतनी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन सर्कल ऑफ रेडियस आर इज इक्वल्स टू 4 मीटर वेरीज विद टाइम टी एज वी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो स्पीड वेरी कर रही है, स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड समय के साथ चेंज हो रही है, टेंजेंशियल भी होगा, सेंट्रीपिटल भी होगा, अल्फा तो होगा क्योंकि टेंजेंशियल है। वेयर टी इज इन सेकेंड एंड वी इज इन मीटर पर सेकेंड, फाइंड द नेट एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। मैं बता दूं ये नेट कौन सी एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं आपसे, ये नेट लीनियर पूछ रहे हैं, और ये बात ये लिखकर नहीं बताते हैं, ये नेट लीनियर एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं आपसे। आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन में गलती है, नहीं, ये कहीं नहीं बताते, नेट एक्सेलरेशन लिख दे, समझ जाओ नेट लीनियर। चलो बेटा अब अगर स्पीड चेंज हो रही है, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। चलो निकालते हैं बच्चों, ए सेंट्रीपिटल सारे सर्कुलर मोशन में होता है, वी स्क्वायर बटे आर। बेटा कब बताना है, टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, तो वी की वैल्यू टी इज इक्वल्स टू 2 पे क्या होगी, 2 का स्क्वायर 4, है ना। कब बताना है, t is equals to 2 seconds पे, है ना। तो मेरे को दो acceleration निकालनी होगी, centripetal और tangential। तो t is equals to 2 पे velocity कितनी होगी, 2 का square 4, तो ये हो गया 4 into 4, radius कितना है बेटा, वो भी 4 है, तो 4 से 4 cancel, 4 meter per second square। अच्छा tangential acceleration क्या होता है बेटा, change in velocity, simple, dv by dt, किस रेट से स्पीड चेंज हो रही है, व्हाट इज at, dv by dt। तो बेटा dv by dt ये कितना हो जाएगा, 2t। कब चाहिए बेटा ये भी, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे, 2 टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कब चाहिए, t इज इक्वल्स टू 2, तो ये कितनी हो गई, 4, ये भी कितनी हो गई, 4, तो बेटा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 4√2, है ना, a और a, तो a√2 आंसर होता है, सबको सिखा चुका हूं ये तो मैं वेक्टर के अंदर, याद है ना, F और F का रिजल्टेंट 90 डिग्री पे कितना होता है, F√2 होता है, तो आंसर हो गया 4√2। सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नीट 2016, क्या सवाल है, इन द गिवन फिगर A इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, A क्या है, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल है, नो सर, सेंट्रीपिटल है, नो सर, क्या है ये, कौन सा एक्सेलरेशन है, इन द गिवन फिगर A इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, खुद ही बता दिया इन्होंने, A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बता रहे, क्लॉकवाइज, मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पार्टिकल यू मूव कर रहा है, मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, CW, है ना, कॉम्पिटिशन वाला पे ऐसे अच्छा प्लग इन मिल ही नहीं सकता था, सो क्लॉकवाइज चल रहा है, अच्छा, ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस इतना एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, सवाल देखिए जरा, ये मेरे से वी पूछने लगे, पूछ रहे हैं भैया इस टाइम वी कितना है, अब मैं वी कैसे बताऊं, अरे दादा वी कैसे पता चलेगा, अरे रम्मर रे बेटा, ए पता है मेरे को, ये ए क्या है, नेट एक्सेलरेशन है, मेरे को एक बात बताओ, नेट एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट देगा सेंट्रीपिटल और ये कंपोनेंट देगा टेंजेंशियल, भाई यहां पे दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे, ध्यान से देखो, पार्टिकल यूं घूम रहा है, तो यहां पे ये होगा ए टेंजेंशियल और ये होगा ए सेंट्रीपिटल, बोलो सही है, यहां पे दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे, यहां पे दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे, इस तरफ हो गया आएगा ए टेंजेंशियल और इस तरफ हो जाएगा ए सेंट्रीपिटल, बोलो सही है। अब ध्यान से देखो, ए सेंट्रीपिटल क्या होगा, इसका
कॉस वाला कंपोनेंट और ए टेंजेंशियल इसका साइन वाला कंपोनेंट। अगर मैं इस डायग्राम से देखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं ए सेंट, ये समझ में आया पार्टिकल कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो यहां पे ये ए टेंजेंशियल और ये ए सेंट्रीपिटल, तो ए सेंट्रीपिटल इसका क्या हुआ कॉस वाला कंपोनेंट, तो ए सेंट्रीपिटल इज ए कॉस 30 डिग्री, खत्म बेटा। ए कितना दे रखा है 15 इंटू कॉस 30 रूट 3 बाई 2। अब एसी कितना होता है बेटा वी स्क्वायर बाई आर, आपको वी मिल गया, वी तो निकालना था। व्हाट इज एसी, एसी इज वी स्क्वायर बाई आर। इस सवाल में नीट में कोई अच्छा सवाल नहीं है, ये थोड़ा बहुत आपको ये समझना चाहिए था कि इसका ये कंपोनेंट क्या देता है सेंट्रीपिटल, ये कंपोनेंट टेंजेंशियल, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है ए कॉस 30 सेंट्रीपिटल, ए साइन 30 टेंजेंशियल। अच्छा हाँ, अब इसमें बात क्या कीजिए बेटा, बात ये हो रही है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत है और कुछ नहीं है। सो वी स्क्वायर अपॉन आर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 2.5, तो सारी वैल्यू आपके पास है, वी अपॉन 2.5 इज इक्वल्स टू 15 इंटू रूट 3 बाई 2। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे अपन, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 इंटू रूट 3 बाई 2 और क्या है 2.5 इधर चला जाएगा इंटू 2.5। ठीक है, तो यहां से पॉइंट हटाया, यहां पे नीचे 10 आ गया, फिर कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 2 10 कितना हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 2 2 4 इंटू 3 root 3। एक काम करो इस पे रूट ले लो, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट पता है, 4 का भी स्क्वायर रूट पता है, तो पूरे का रूट ले लिया, तो 25 और 4 अंडर रूट 25/4 इंटू 3 root 3, तो 25 का बाहर रूट आ जाएगा 5, 4 का रूट आ गया 2, अंडर रूट 3 root 3। अब 3 root 3 अंडर रूट कितना होता है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, तो v इज इक्वल्स टू 5/2 अंडर रूट 3 इंटू 1.732, रूट 3 की वैल्यू रख दी 1.732, तो 5/2 अंडर रूट 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 5, 5.196। तो ये कुछ 2 point something होगा, अब 2 point कितना होगा पता करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर्स थोड़े क्लोज क्लोज हैं, ध्यान से देखो तो 4.5, 5.0, 5.7, 6.2, तो बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन करना यहाँ पे अच्छा ऑप्शन नहीं है, नहीं कर सकते, क्योंकि आंसर बहुत क्लोज क्लोज है, 4.5, 5.7, 6.2, फंस जाएगा रे मामला छोटू। तो क्या किया जाए छोटू, इसको ना निकालना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा, सो 2 point something होगा, ये सबको समझ में आ रहा है ना, अंडर रूट 5। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, आओ चेक करते हैं 2.1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, तो ये 4.41 हो गया। 2.2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2.2 का स्क्वायर होता है 484, तो ये हो गया 4.84। 2.3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 23 का स्क्वायर होता है 529, तो 5.29 है ना। एक काम करो, ये सब चीज़ें 30 तक याद कर लो स्क्वायर वगैरह। 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2.4 का स्क्वायर होता है 576, तो 5.76 आगे निकल गए हमको, 5.19 यानी 5.2 के आसपास चाहिए। 5.2 देखो 2.3 के स्क्वायर से मैच कर रहा है, सो 5/2 इंटू 2.3 विल बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना, 5.196 5.2 के पास, और 5.2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2.3, सो 5 × 2 1 2 2 1 2 10 2 5 10, 5 5 25, 2 गया हासिल, 5 1 5 और 2 7 5 1 5, 5.75 मीटर पर सेकेंड विल बी दी आंसर, सो 5.75, सो 5.7 इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी इस सवाल में, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। CBSE AIPMT 2003, ठीक है, थोड़ा इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20/π मीटर विथ कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसी है कॉन्स्टेंट, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 m/s एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगिन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज। अब देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा सवाल हमें लीनियर मोशन पे ध्यान देना है, इस पूरे के पूरे सवाल में हमें लीनियर मोशन पे ध्यान देना है। ध्यान से पढ़ो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20/π, एक सर्कल पे चल रहा है पार्टिकल जिसका रेडियस दे रखा है, ठीक है, कुछ रेडियस है पार्टिकल इस पे चला, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल, किस डायरेक्शन में चल रहा है मुझे नहीं पता, चलो क्लॉकवाइज चला देते हैं, जिधर चाहो चला दो, ये पार्टिकल यूं चला, फिर क्या कह रहा है, विथ कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लगातार अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, विथ
कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। क्या है बेटा? एक लीनियर मोशन है, कॉन्स्टेंट एटी। बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन, इस तरह से, है ना, यानी कॉन्स्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन। कॉन्स्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन है ना, लगातार अपनी स्पीड के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है। ध्यान से, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 बट, देखो 2003 में आया ये सवाल, इसके बाद रिपीट भी हुआ है, अभी देखना। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 बटे पाई विथ कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एटी कॉन्स्टेंट है, स्पीड लगातार बढ़ रही है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन, If the velocity of the particle is 80 meter per second, जो पार्टिकल की velocity है वो कितनी हो गई? 80 meter per second। कब हुई? At the end of second revolution। कब? दो revolution के end पे, दो revolution बाद। यानी कितना चल लिए आप? एक चक्कर 2 pi r, दो चक्कर 2 pi r। आप यहां से यहां चले, कितना distance move किए आप? 2 pi आर मूव किए। दूसरी बार चले, कितना डिस्टेंस मूव किए आप? 2 पाई और। तो दो रेवोल्यूशन बाद, दो रेवोल्यूशन मतलब कितना डिस्टेंस चले बेटा आप? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू? एस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर, है ना। दो चक्कर घूमे हूं, एक चक्कर में 2 पाई आर, दूसरे चक्कर में फिर 2 पाई आर। ध्यान से, लगातार क्या बढ़ा रहा है? अपनी स्पीड कैसे बढ़ा रहा है? कॉन्स्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्पीड के बढ़ने का, क्या टाइम हुआ, स्पीड के चेंज होने का जो रेट है, स्पीड के चेंज होने का जो रेट है वो कैसा है यहां पे बच्चों? स्पीड के चेंज होने का रेट लगातार कॉन्स्टेंट है। कैसा है? कॉन्स्टेंट, है ना। तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 pi r, 4 pi r डिस्टेंस कवर हो गया। s इज इक्वल टू 4 pi r। और कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन कितना है इसका? ये नहीं दिया हमें, है ना। द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यही हमसे पूछा है कि ये कितना है, ठीक है। और बच्चों पार्टिकल स्टार्ट किससे हुआ? दे नहीं रखा है तो रेस्ट से ही स्टार्ट मानेंगे। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस विद कांस्टेंट टेंजेंशियल, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इतना एट द सेंटर आफ्टर मोशन हैज बिगिन, आफ्टर मोशन हैज बिगिन। तो इनिशियल स्पीड यू कितनी हो गई? 0। बेटा ये सवाल एकदम आसान है। अब इसके सर्कुलर मोशन को छोड़ के आप सोचो, ये सीधी लाइन पे चला, 2 पाई आर डिस्टेंस लीनियर, फिर 2 पाई आर डिस्टेंस लीनियर। अगर इसके लीनियर मोशन को आप एनालाइज करते हो, अगर आप इसके लीनियर मोशन को एनालाइज करते हो, तो जब मोशन स्टार्ट हुआ तो इसकी इनिशियल स्पीड 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें पता नहीं। बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में तो होगा हमेशा, स्पीड के अलोंग, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 80 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना मूव किया है? 4 पाई आर। बेटा ये देखो, इसका डिस्टेंस ये लीनियर चला ये, और एक्सेलरेशन हमेशा कैसी होगी? यू 80, कहां? हमेशा स्पीड के अलोंग। और ये डिस्टेंस कितना है पूरा? ये है 4 पाई आर। जो ये पूरा जो इसने लीनियर डिस्टेंस कवर किया वो कितना है? 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना हो गया? 4 पाई आर। और एक्सेलरेशन हमेशा स्पीड के साथ है। बेटा यहां पे तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस, सॉरी वो तो लगेगी नहीं, टाइम तो निकालना नहीं अपन को, निकालना है डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस दे रखा है, तो कौन सी लगेगी? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 80 इंटू 80, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मुझे चाहिए, यही तो टेंजेंशियल है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 पाई आर। अब कई लोग कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है। बेटा मैं बात कर रहा हूं लीनियर डिस्टेंस कितना मूव किया इस स्पीड को इंक्रीज करते हुए, यहां बात मैं लीनियर डिस्टेंस की कर रहा हूं। इस पूरे सर्कल को खोल दें आप, तो डिस्टेंस कितना मूव किया भाई? स्पीड लगातार बढ़ रही है, स्पीड लगातार इसकी बढ़ रही है, तो कितना डिस्टेंस मूव हुआ?
4 पाई आर। अब क्या होगा बेटा, यहां से वैल्यू रखेंगे 80 इंटू 80 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 4 पाई इंटू रेडियस कितना दे रखा है अपने को 20 बटे पाई, पाई से पाई मर जाएगा, 80 इंटू 80 इज इक्वल टू 2 4 जा 8 इंटू ए इंटू 20, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, ए इज इक्वल टू 80 बटे 2 कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये लीनियर एक्सेलरेशन है, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। ऐसा ही सिमिलर एक सवाल फिर से आया, इस बार आप खुद से करके दिखाओगे नीट 2019 में, एकदम सिमिलर सवाल है, मेरे ख्याल से आप इसको खुद से धुआं धुआं कर दोगे, नीट 2019 का सवाल। चलो बच्चों, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ओके मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट मीटर पर सेकेंड इन द एनथ राउंड, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी, इस बार अल्फा पूछ लिया, इस बार अल्फा पूछ लिया, अब इसको आप एंगुलर वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हो, लीनियर वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर मैं इसको एक पेज और है, चलो अगर मैं इसको लीनियर वेरिएबल से सॉल्व करूं, अगर मैं इसको लीनियर वेरिएबल से सॉल्व करूं, अगर मैं इसको लीनियर वेरिएबल से सॉल्व करना चाहूं, चलो भाई स्टार्ट करते हैं कहानी। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इट अटेन्स अ वेलोसिटी वी नॉट मीटर पर सेकेंड इन द एनथ राउंड, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, तो हम लीनियर एक्सेलरेशन देख लेते हैं। आ जाओ, ये है पार्टिकल, रेडियस आर में चल रहा है और यहां से चला, ये इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगी। अच्छा, कितने चक्कर घूम लिया, इट अटेन्स अ वेलोसिटी वी नॉट मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी है वी नॉट मीटर पर सेकेंड इन द एनथ राउंड, तो कितना घूम लिया है बेटा, ये एन चक्कर घूम लिया है, एन चक्कर में बेटा कितना डिस्टेंस घूम लेगा ये, एक चक्कर में 2 पाई आर, तो एन चक्कर में एन इंटू 2 पाई आर, बोलो सही है, एक चक्कर में 2 पाई आर, तो एन चक्कर में एन इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। बेटा खेल खत्म हो गया, आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लो, उसके बाद एंगुलर तो तुरंत निकल आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस, फाइनल वेलोसिटी कितनी है वी नॉट, सो वी नॉट का स्क्वायर, यू कितना है 0, इज इक्वल टू 2 इंटू ए टेंजेंशियल इंटू एस कितना है एन इंटू 2 पाई आर, ठीक है, शायद स्मॉल आर यूज किया वेरिएबल इन्होंने, है ना, तो अपन भी स्मॉल आर ले लेते हैं, स्मॉल आर, सो ये कितना हो गया v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए टेंजेंशियल, s हो गया n इंटू 2 पाई आर, n चक्कर घूमे है ना, हाँ बेटा, यहां से 80 की वैल्यू कितनी आ गई, v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टू जा 4 n पाई आर, पर मेरे से क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, मेरे से क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, मेरे से क्या पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा जब 80 होगा, बोल बेटा, जब 80 होगा, बोल बेटा, तब अल्फा होगा, और 80 इज इक्वल टू क्या था, आर इंटू अल्फा, तो 80 की जगह आर इंटू अल्फा इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 एन पाई आर, यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, आर नीचे आ गया, V नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 n पाई r स्क्वायर, V नॉट का स्क्वायर अपॉन 4 n पाई r स्क्वायर, ये हमने किया लीनियर वेरिएबल से। अब अगर इसी को हम एंगुलर वेरिएबल से सॉल्व करना चाहें, सेम सवाल को यदि मैं एंगुलर वेरिएबल से खेलना चाहूं तो खेल सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इसको एंगुलर वेरिएबल से खेलना चाहूं तो बेटा एंगुलर वेरिएबल से खेलें, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, फाइनल लीनियर वेलोसिटी डिवाइड बाई आर, भाई यही तो होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये कितना हो गया वी नॉट बटे आर, ठीक है, और बेटा डिस्टेंस कितना मूव किए, एंगुलर डिस्टेंस, कितने राउंड घूमे हो आप, nth राउंड, n चक्कर घूमे हो आप, तो एंगुलर डिस्टेंस, अब एंगुलर वेरिएबल देख रहे हैं, तो अगर आप कितना घूमे हो n चक्कर, तो बेटा n चक्कर में कितना एंगल घूम लोगे, एक चक्कर में घूमते हैं अपन
टू पाई, एन चक्कर में घूमेंगे एन इंटू टू पाई। तो बेटा यहां से आप लगा दो थीटा, सॉरी यहां से आप लगा दो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस टू इंटू अल्फा इंटू थीटा। ओमेगा फाइनल कितना है बेटा ये, सो वी नॉट स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल जीरो टू इंटू अल्फा इंटू थीटा कितना है एन इंटू टू पाई। बेटा यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर एन पाई इंटू अल्फा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो गई वी नॉट स्क्वायर अपॉन फोर एन पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आप चाहो तो एंगुलर वेरिएबल से सॉल्व करो, चाहो तो लीनियर वेरिएबल सॉल्व करो, जैसे भी सॉल्व करो यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ा जाए। सेंट्रीपिटल फोर्स, अब बेटा एक बात सुनो, जहां होगा सर्कुलर मोशन वहां होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। भैया एक्सेलरेशन हवा में तो होती नहीं है, एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगी, कौन सी फोर्स होती है सेंट्रीपिटल। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल पाथ सर्कुलर पाथ अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। जब भी सर्कुलर पाथ में होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना, सर्कुलर पाथ तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सिंपल बेटा। सर्कल में घूमोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। चलो ये लाइन लिखी हुई भी आ गई, दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, ये बात हो चुकी थी अपने। एज देयर कैन बी नो एक्सेलरेशन विदाउट अ फोर्स, सही बात है भैया, बिना फोर्स के कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकती, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उस पर हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स लगती ही लगती है। सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, खेल खत्म। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा वी स्क्वायर बाई आर, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और क्या होता है, वी ओमेगा, सो एम इंटू वी ओमेगा। तो ये हो गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन क्या हो गया, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अब जो बात आने वाली है उस पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल बात है, अभी नहीं आए सवाल आ गया माफ करना। तो ये तो बहुत हलवा सा सवाल है बेटा, फॉर्मुला बेस्ड सवाल है ये, तो पता नहीं क्यों आ गया शीट में, क्योंकि आया हुआ था, मैंने कहा थोड़ी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, यार थोड़ा हाथ चलेगा। द सेंट्रीपिटल फोर्सेस, अ 500 केजी कार टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आर, द सेंट्रीपिटल फोर्सेस। तो बेटा 36 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 बटे 18 कर देंगे, 18 टू जो 36, 2 5 जो 10, 10 मीटर पर सेकंड। हमसे पूछा है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अपने पास वी की वैल्यू अवेलेबल है, अपने पास रेडियस की वैल्यू अवेलेबल है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर लगाना पड़ेगा। सो एम वी स्क्वायर बाई आर, मास कितना है 500 केजी, वी कितना है 10 का स्क्वायर लिख दिया, आर कितना है, आर है 50 मीटर, तो 50 से यहां से जीरो कैंसिल, रेडियस कितना है 50 मीटर, तो 50 से जीरो कैंसिल, 5 1 5 5 10 50, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया, 10 1000 न्यूटन इज द आंसर। कहीं का सर्कुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना भाई, 5 बटे 18, ठीक। चलो नेक्स्ट, अब ये बात याद रखना, वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। सेंट्रीपिटल फोर्स कभी कोई वर्क नहीं करता, क्यों नहीं करता बेटा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे होता है बेटा सर्कुलर मोशन में, टेंजेंशियल होता है। और आपको इतनी तो मैथ आती ही होगी कि रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स से कितने एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे। आपको यहाँ देखने का मन है यहाँ देख लो, कहीं और देखने का मन है कहीं और देख लो, पर वीडियो यहीं देखना, ये नहीं कह रहा कि वीडियो कहीं और, पैसा आता है ऐड देखने का, ऐसे नहीं जाने का। अच्छा मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं वीडियो के सिर्फ स्टार्टिंग में आपसे ऐड रखूंगा और मिड रोल ऐड हटा दूंगा, टीम से किसी को बोलना पड़ेगा ये बात, तो अपने सारे पुराने वीडियोस में भी ये करवाते हैं। देखो सारे ऐड हटाने से क्या होता है, यूट्यूब स्टॉप्स रिकमेंडिंग योर वीडियो, ठीक है, तो इट्स नॉट अ गुड डिसीजन। सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे ये हो जाएगी फोर्स। तो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, थीटा हमेशा कितना है 90 डिग्री है, कॉस 90 कितना होता है जीरो, तो वर्क डन इज जीरो। तो ये कहाँ राम कथा सबको पता होती है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे तो वर्क डन जीरो। दूसरी चीज क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, कब, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये चीज कब ट्रू होगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में।
UCM में। अगर स्पीड चेंज हो रही है तब तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। जाहिर सी बात है, स्पीड है ना चेंज हो रही सर, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना है ना, तो वही बात लिखी हुई है। स्पीड डू नॉट चेंज ड्यू टू एफ सी, देखो यहाँ पे मेंशन किया है, स्पीड एफ सी की वजह से नहीं चेंज होती है। वैसे तो चेंज होती है स्पीड, बट एफ सी की वजह से स्पीड चेंज नहीं होती है। जिस तरह से आपके देखा होगा चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो हमेशा उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, सो वो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड या काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर पाती है। ये चीज़ आप पढ़ोगे मैग्नेटिज्म में मूविंग चार्जेस के अंदर, है ना, जो फोर्स होती है मूविंग चार्ज पार्टिकल पे वो क्या होती है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, तो उसका भी वर्क डन जीरो होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। जहां भी फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो फोर्स कभी भी स्पीड को चेंज नहीं कर सकती, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करती है। अपनी जिंदगी में याद रखना कि जो भी फोर्स बेटा जीवन में आपको वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मिले, ऐसी फोर्स का जीवन में एक ही काम है, ऐसी फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है, सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती। और ऐसी फोर्स हमेशा कोशिश करती है पार्टिकल को सर्कल में घुमाने का। आगे बढ़ते हैं, तो 1994 का एक सवाल है, लल्लू सवाल, एकदम हलवा सवाल है, जल्दी से हलवा सवाल को उड़ा देते हैं। क्या है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, कैसे चल रही है बॉडी, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, है ना। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल नो वर्क इज डन ऑन इट, सही बात है, सही ऑप्शन देना है, सही तो है, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट, ये तो गलत हो गया। हाँ, अगर सर्कल में चल रहे हो तो एक्सेलरेशन तो होगा ही बेटा, सर्कल में चाहे कांस्टेंट स्पीड से चलो, है ना, v इज इक्वल्स टू 5 है, यहाँ पे आके v इज इक्वल्स टू 5 है, एक एक्सेलरेशन तो रहेगा ही, कौन, सेंट्रीपिटल, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये गलत हो गया। इट्स वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, छी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट्स, क्या बात कर रहे हैं साहब जी, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगी ही लगेगी, अगर पार्टिकल सर्कल में है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगनी ही लगनी है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स, ओह माय गॉड, सेंट्रीपिटल कोई नई फोर्स नहीं है जो आसमान से टपकी है। आगे पढ़ें, सम और दी अदर फोर्स एक्ट्स एट सेंट्रीपिटल फोर्स, दुनिया में ऑलरेडी कोई ना कोई फोर्स थी जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्म लेती है, इस बात को जरा समझें। दो एग्जांपल है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, है ना, जो पृथ्वी होती है धरती माता और ये कौन है, सूरज पापा, ठीक है, तो जो धरती माता होती है जब वो सूरज पापा बहुत मारे जाओगे, तो जो धरती माता होती हैं वो जब सूर्य देव के अगल बगल परिक्रमा कर रही होती हैं उस अंतराल में यदि आप ध्यान दें तो धरती माता क्योंकि सर्कुलर मोशन में है, स्टॉप इट, जब अर्थ बिकॉज द अर्थ इज इन सर्कुलर मोशन, सो यू कैन सी व्हेनेवर अ पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन इट इज ऑलवेज एक्टेड अपॉन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सो देयर मस्ट बी सम सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड अलोंग दिस लाइन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, बट इफ यू सी, इफ यू हैव स्टडीड ग्रेविटेशन यू मस्ट बी नोइंग दैट द सन पुल्स अर्थ टुवर्ड्स इट बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड दैट फोर्स आल्सो एक्ट्स लाइक दिस ओनली, सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इटसेल्फ, that gravitational force itself becomes centripetal force. Are you getting what I'm saying? Or not? What I'm saying that the gravitational force itself behaves as centripetal force. Centripetal koi aisa nahi hai ki koi upar se aasman se tapka hai, na? Aisa nahi hai ki papa ki pari aayi hai, theek hai? It's not papa ki pari. It's what? It's a form of a force. Koi aur force hai, usi ko centripetal force naam dete hai. Dhoka hai. Hum kehte hai, achha, isko centripetal. Jo bhi force. Aye, 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 kya baat yaad aa gayi. Likh dete hai is baat pe. Beta, jo bhi net force towards the center, that is the centripetal force. Ye baat to likhni padegi aaj. Net force towards the center. क्या बनेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर फुल ईयर कोर्स होता तो मैं इस तरह से भी सवाल कराता, पर क्योंकि ये फुल ईयर नहीं, ये हाफ ईयर नहीं, ये क्वार्टर ईयर की कोर्स नहीं है, तो यहां पे मैं इस कंसेप्ट से सवाल नहीं कराऊंगा, इन सवालों को मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट से करा दूंगा, आसानी से हो जाएंगे। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर एक पार्टिकल पे न्यूमरस फोर्सेस लग रही हैं, कुछ सेंटर से बाहर दूर अवे फ्रॉम सेंटर, कुछ टुवर्ड्स द सेंटर, मान लो एक पार्टिकल पे कुछ, ध्यान से सुन लो, एक पार्टिकल पे कुछ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, कुछ फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, तो जो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होती है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और अगर आप बाहर से देख रहे हो मोशन, मैं तो अंदर से दिखाऊंगा, मैं तो आपको बिठा दूंगा चूहा बना के ऊपर, वो सबसे अच्छा तरीका है, आसान, उसी में बात करते हैं। क्या आगे फुल ईयर देगा, अब क्या हो गया टाइम 11 12th का, चलो जमूरे आगे बढ़ो, ये सब नहीं समय है, क्या कर सकते हैं, फिजिक्स सीखना है, तो पुरानी वीडियो देखो उसमें ये सब है ना। तो अगर तुम बाहर से मोशन देखते हो तब ये वाला खेल बहुत अच्छा होता है, तब फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स को मत बनाना, तब नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करना, तो सेंट्रीपिटल कोई नई फोर्स नहीं है, द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कौन सी है, ग्रेविटेशन, इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। जैसे ये मान लो आपने क्या किया, एक पत्थर मान के लंगर होता है, लंगर ऐसे मतलब लंगर नहीं बोलते, ऐसे नचाते रहते हैं, ऐसे पतंग कैसे उड़ा कैसे काटते थे, तो लंगर लेके इरिटेटिंग है, क्यों कर रहे हो, तो जब इसको गोल गोल घुमा रहे हो बेटा तो इस स्ट्रिंग में क्या आएगी, टेंशन, यही टेंशन क्या है, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, तो यही क्या बन गई, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये बेटा याद रखो, क्या तो बात बोली है, वाह भाई वाह, खुद ही से खुद को शाबाशी दे दो,
द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स. यहां पे नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर क्या होगी, जब पत्थर घुमा के घुमाओगे रस्सी में, टेंशन दैट बिकम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. द नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज सेंट्रीपिटल इज नॉट एन काइंड ऑफ फोर्स, सम काइंड ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इन अ सर्कुलर मोशन बिकम्स सेंट्रीपिटल फोर्स. नेवर ड्रॉ सेंट्रीपिटल फोर्स इन अ फ्री बॉडी डायग्राम इफ यू आर वाचिंग सर्कुलर मोशन फ्रॉम आउटसाइड. चूहा बन के ऊपर बैठ गया हो तब खेल अलग होगा, अगर चूहा बन के नहीं बैठे हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स एवरीडे वाली बनती बना भी मत देना. नहीं नहीं, चूहा बन के ऊपर बैठोगे तभी सेंट्रीपिटल फोर्स एफबीटी में आएगी. अगर बाहर से ऑब्जर्व करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफबीटी में नहीं आएगी, तब जो भी तुम्हारी नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होगी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करोगे. ये बात मैंने बोल दी, इसमें पढ़ूंगा नहीं. चलो सीबीएसई आईपीएमटी 2015 सवाल क्या है. सवाल द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज एन टाइम्स दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ हेवियर स्टोन व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्सेस द वैल्यू ऑफ एन इज. क्या बोल रहे हैं, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन, ये रहा लाइटर स्टोन, ये रहा लाइटर हल्का, ये है भारी, काम भारी, नाम भारी. द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज एन टाइम्स दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ द हेवियर स्टोन. मान लो हेवियर स्टोन की जो स्पीड है वो वी है. अगर हम यहां पे ये बात मान ले, लो मान लिया हमने, वी है तो हेवियर लाइटर स्टोन की स्पीड क्या हो जाएगी, एन वी. ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज, लाइटर स्टोन की जो टेंजेंशियल स्पीड है इज एन टाइम्स द वैल्यू ऑफ हेवियर स्टोन. तो अगर हेवियर स्टोन की स्पीड में वी लिखूं तो लाइटर की स्पीड क्या हो जाएगी, एन वी. ये तो रिस्पेक्टेड एन वी सर का नाम लिख गया, परम श्री एन वी सर. सो क्या हो गई, एन वी हो गई. अब क्या बोला है इसके बाद, वैल्यू ऑफ हेवियर स्टोन व्हेन दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स. बेटा दोनों के ऊपर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है. सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन एम इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन 2m. बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर. तो बेटा इसका m, इसकी वेलोसिटी कितनी है, एन वी स्क्वायर. इसका रेडियस कितना है, आर. इसकी बात करें बेटा, इसका मास कितना है, 2m. स्पीड कितनी है, v स्क्वायर बटे रेडियस कितना है, r बटे 2. क्या चाहिए आपको, वैल्यू ऑफ n. बेटा कट्टम कुट्टा खेलोगे, वैल्यू ऑफ n आ जाएगी. m से m काटोगे, r से r काटोगे, ये होगा n स्क्वायर v स्क्वायर, ये हो गया 2v स्क्वायर, और ये 2 भी ऊपर कूद के आ जाएगा. v स्क्वायर कैंसिल, n स्क्वायर की वैल्यू है 4, n की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2, और हम आंसर लगाएंगे 2, क्योंकि स्पीड नेगेटिव 2 लगाने का कोई मतलब नहीं होगा. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ गए. 2017 का सवाल क्या पूछा है, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, ये स्ट्रिंग है लेंथ l की, इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास m, ओके, एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल पेग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल. इसको यहां पे हॉरिजॉन्टल टेबल पे बांध दिया. इफ द पार्टिकल मूव्स इन सर्कल विद स्पीड v, जहां ध्यान से देखना, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, यानी फ्रिक्शन की कहानी मत ले आना, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है ना. अगर सर्कुलर मोशन में टेबल है तो टेबल को ध्यान से देखना, स्मूथ है कि स्मूथ नहीं है, है ना. वैसे भी म्यू दिया नहीं है. वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ स्मॉल पेग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल. इफ द पार्टिकल मूव्स इन सर्कल, इफ द पार्टिकल मूव्स इन सर्कल विद स्पीड v, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर विल बी t, रिप्रेजेंट द टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो बेटा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या होगी, यहां पे टेंशन फोर्स, और वही क्या बनेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स. नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, जरा लैंग्वेज लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर क्या होगी बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स. देख लो, टी प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल, टी माइनस एम वी जीरो टी. और बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगी, टी के बराबर होगी. तो टी प्लस एम, नहीं नहीं नहीं, देखो यही यही गलत हो रहा है, टी माइनस, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही. अब यहाँ बच्चे सोच रहे होंगे यार कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ऐसा करके ऐसा लिख देंगे, वैसा करके वैसा. नेट फोर्स किसके बराबर होगी बेटा, टेंशन के. नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल्स टुवर्ड्स द सेंटर, बेटा वो कौन सी फोर्स है, टेंशन फोर्स ही तो लग रही है, और वही सेंट्रीपिटल. अब देखो जिसके दिमाग में ये था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ और होती है, वो क्या सोचेगा, टी प्लस एम वी. एक तो टेंशन लग रही है अंदर, और हे देखो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि भैया जब पार्टिकल घूमता है, सही बात है यार, टेंशन तो लगती है, और क्या लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स. वो कहेगा दोनों अंदर लगती है, जोड़ दिया, उठा के दोनों डाल दिया, एम वी स्क्वायर. समझ में आया, तो वही एक कोई फोर्स होती है जो बिहेव करती है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह.
आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आगे अपना असली कहानी, कैसे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को डील करना है। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कल भी कंटिन्यूड रहेगा। डायनेमिक्स में अपन फोर्स की बात करते हैं, आज तो बेसिकली काइनेमेटिक्स की ही बात हुई है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की आज बात कर रहे हैं थोड़ी सी। ये कल भी कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है। कल हम लोग इसके अंदर बैंकिंग ऑफ रोड, वर्टिकल सर्किल, ये सब करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अप्लाइड ओनली व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रोटेटिंग फ्रेम। बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सूडो फोर्स होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सूडो फोर्स। अब कहोगे सर यहां सूडो फोर्स की जरूरत क्या है, तुम खुद से सोचो, अपने आप दो मिनट का समय लो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा सूडो फोर्स की जरूरत क्या है। बेटा एक बात बताओ, ये जो गोल 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 घूम रहा है, ये कार कैसा फ्रेम है इस टाइम, है ना? कार तो बहुत सुंदर, ये कार कैसा फ्रेम है? कार कैसी फ्रेम है, ठीक है? ये कार कैसा या कैसी फ्रेम है, जो भी है बेटा, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है। ये कार कैसा फ्रेम है? एक्सेलरेटेड। इस टाइम ये जो कार घूम रही है, ये कार कैसी है बेटा? एक्सेलरेटेड फ्रेम है कि नहीं? ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है बेटा कार, है ना? और इसका एक्सेलरेशन किधर है बेटा? अंदर की तरफ है। इस कार पे जो एक्सेलरेशन है वो किधर है? अंदर की तरफ। कौन सा? सेंट्रीपिटल। कौन सा? सेंट्रीपिटल। कौन सा? सेंट्रीपिटल, है ना? इस कार पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कार कैसा फ्रेम है? एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मतलब बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम है ये। कार कैसे फ्रेम में है, मतलब कार को खुद कौन सा फ्रेम है? सॉरी, नॉन इनर्शियल, क्योंकि एक्सेलरेटेड है, इस पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कार एक इनर्शियल फ्रेम है? घूमती हुई कार, क्या चक्कर घूमती हुई कार गिर जाएगी नीचे? मुझे पता है, ठीक है। ये गोल घूमती हुई कार, क्या ये इनर्शियल फ्रेम है? नहीं, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों? क्योंकि इस पे एक्सेलरेशन लगेगा, क्योंकि ये गोल गोल घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। और जो फ्रेम एक्सेलरेटेड होता है वो नॉन इनर्शियल होता है। ऐसे फ्रेम के लिए क्या सोल्यूशन था? ऐसे फ्रेम के लिए क्या सोल्यूशन था? यहां पर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं थे, याद है? यहां पर न्यूटन्स लॉ Not valid। तो बेटा इसका सोल्यूशन क्या है? न्यूटन्स लॉ को वैलिड कैसे करें? कैसे वैलिड करें? चूहा बनकर इसके ऊपर बैठ जा, चूहा बनकर इसके ऊपर बैठ जा। बन गए चूहा, बैठ गए ऊपर, आई हाय हाय, बन गए चूहा, बैठ गए ऊपर। अब क्या करेंगे? अब सूडो लगाएंगे। अब क्या करेंगे? अब सूडो लगाएंगे। सूडो कैसे लगती है? फ्रेम का एक्सेलरेशन इधर है, सूडो कैसे लगती है? माइनस एम ए। तो इसके ऊपर बाहर की तरफ, इसके ऊपर चूहे पे टक 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 टक, चूहे, ओ चूहे, ये चूहा, आई 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 आ, हाँ ये चूहा है। चूहा कैसा है? लड़कियां यहां पे बुरा मान गई, सर आप ना हमेशा लड़कों की बात करते हो, कभी हम लोग के बारे में बात नहीं करते हो। तो ये चुईया है, ठीक है? हैप्पी? हाँ, वेरी हैप्पी। तो क्या बात हो रही थी? कि ये चुईया है, ठीक है? आज लड़कियों की बात की जाएगी, ठीक है? हमेशा क्या लड़कों को चूहा बनाना? हाँ चलो, तुम सब चूहे हो सकते हो, जब जब तुम जानवर बनी सकते हो तो जेंडर से क्या ही मतलब है? नहीं, वहां भी जेंडर चाहिए। तो तुम चूहा बनने को तैयार है, पर चूहा नहीं बनेंगे, जेंडर। तो हम चूहा बन गए, चूहा बन के बैठ गए बेटा, चूहा बन के बैठ गए। फ्रेम का एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है। अरे यार, एक्सेलरेटेड फ्रेम में क्या चाहिए? सूडो फोर्स। किधर लगती है? माइनस एम ए। तो बेटा जी अपन क्या करेंगे? बाहर की तरफ लगा देंगे इसके ऊपर माइनस एम ए, है ना? उल्टे डायरेक्शन में, एम इंटू ए सी। अब बेटा एम इंटू ए सी तो वही है सेंट्रीपिटल फोर्स, बट इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नया नाम दे दिया। हाय सर, क्यों? ऐसे ही बस, कुछ नया नहीं है, ये तो वही है यार। अगर मेरे पास एक्सेलरेटेड फ्रेम हो तो मैं कैसे डील करूंगा? चूहा बनकर बैठ जाऊंगा। उसका एक्सेलरेशन किधर है? अंदर। तो मैं क्या करूंगा? बाहर एमए लगाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। यही ये भी कहेंगे। ये क्या किए? चूहा बनके इसके ऊपर बैठ गए। चूहा बनके ऊपर बैठते इन्होंने कहा, अरे फ्रेम तो अंदर की तरफ एक्सेलरेटेड है दादा, क्या करना पड़ेगा? माइनस एम ए लगाना पड़ेगा। लगा दिया इसी माइनस एम ए को। अब ये देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का ही फॉर्मूला है, इसको ये सेंट्रीफ्यूगल बोल देते हैं। इसी को ये क्या बोल देते हैं? एफ सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैव द सेम फॉर्मूला एज सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगती है, सेंट्रीपिटल अंदर लगती है। पर सेंट्रीफ्यूगल तभी लगती है ओनली व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रोटेटिंग फ्रेम। और इस तरह से सवाल करना आसान हो जाता है कि आप चूहा बन के उसके ऊपर बैठ जाओ और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पहले बाहर लगा लो, उसके बाद बाकी फोर्स का देख लो खेल।
और उसके बाद भगवान जाने जो भी करना हो, क्लियर है। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगती है, क्लियर है। अब पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल लगेगी? अरे नहीं लगेगी यार, तुम चूहा बन के बैठे हो, तुमने अपने ऊपर सूडो लगा लिया, तुम तो फ्रेम के अंदर हो यार बाबू राजा, फ्रेम के अंदर हो। सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे लग रही है? कार पे। चूहे पे क्या लग रही है? सेंट्रीफ्यूगल। तुम तो फ्रेम के अंदर चले गए। अरे मेरा प्यारा बच्चा, बेटा जब तुम ट्रोली पे होते थे और ट्रोली 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जा रही होती थी और तुम ब्लॉक पे आते थे, मान लो 2 kg का ब्लॉक है, तो 2 × 5 आप पीछे की तरफ 10 N का फोर्स लगाते थे, उसके बाद क्या इस ब्लॉक पे आगे की तरफ भी फोर्स लगाते थे? क्यों सर? क्योंकि हम तो चूहा बन के इस फ्रेम में आ चुके हैं, अब तो हम इस फ्रेम से खेल खेलेंगे सारा। फ्रेम के साथ क्या हो रहा है हमसे मतलब थोड़ी ना है। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल लगा चुके हो तो आप सेंट्रीपिटल मत लगा देना साथ में, कि बाहर सेंट्रीफ्यूगल अंदर सेंट्रीप्यूडल, कॉन्सेप्ट ही खराब है फिर तुम्हारा। भैया जैसे ही तुम यहां बैठे तुम इस फ्रेम के रेफरेंस में बात करने लगे, अब तुमसे कुछ मतलब ही नहीं, तुमने पलट कर ये लगा दिया, अब तुम सारा खेल तो फ्रेम के अंदर खेलोगे ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है, फर्जी का बस दे दिया है, सूडो फोर्स है सिंपल। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो सूडो लगाओगे, खत्म। सवाल करते हैं, बकवास हो गई। CBSE IPMT 1998 क्या है? द स्ट्रिंग विल ब्रेक इफ द टेंशन इज मोर देन 25 N। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द बॉल कैन बी मूव्ड? बॉल को किस स्पीड से रोटेट कर सकते हो, मैक्सिमम स्पीड बताओ। तो मान लो बॉल V स्पीड से घूम रही है, अब क्या करें? चूहा बन के इसके ऊपर बैठ जाते हैं। आ जाओ चूहा बन के ऊपर बैठेंगे, चूहिया बनने का मन आज, चूहिया बनेगा सर। हाँ चूहिया बनने में ज्यादा बुरा लग रहा है, मैं देख रहा हूँ लड़कियों का मुंह बन गया चूहिया, चूहा अभी तक ठीक था, चूहा बन गए थे, इतना कॉम्प्रोमाइज लाइफ में कर सकते हैं पर चूहिया ये ज्यादा हो गया। हाँ तो चूहा बन गया, चूहिया बन के ऊपर बैठ गया, अब क्या हुआ बेटा? हाँ अब क्या हुआ, ये वी वेलोसिटी से घूम रहा है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? सबसे पहले क्या करेंगे, चूहा बन के जैसे ऊपर बैठे इसके ऊपर बाहर की तरफ क्या लगा दिया, सेंट्रीफ्यूगल। बेटा जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल लगाया अब सेंट्रीपिटल नहीं लगेगा, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। जैसे ही आपने सेंट्रीफ्यूगल लगाया अब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगी बेटा, जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल लगाया अब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगी। अच्छा दूसरी इस पे कौन सी फोर्स लग रही होगी? टेंशन की फोर्स, जिसको अंदर खींच रही होगी। बाहर सेंट्रीफ्यूगल, अंदर टेंशन। अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द, हाँ नहीं, द स्ट्रिंग विल ब्रेक If the tension is more than 25 N, tension 25 N से ज्यादा नहीं हो सकती। What is the maximum speed with which the ball can be moved? किस maximum speed से ball move कर सकती है? ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है? So T is equals to F centrifugal, सही बात है। आप इसके ऊपर बैठे, आपने कहा भैया अंदर की तरफ एसी होगा, बाहर सेंट्रीफ्यूगल लगाते हैं, दोनों फोर्स को बराबर कर देते हैं, है ना? अब टेंशन कितनी है? अब देखो टी इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताओ, आर दे रखा है अपने को, एम दे रखा है, एल दे रखा है, सो एम वी स्क्वायर बाई एल। अब हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द बॉल कैन बी मूव्ड? तो बेटा वी जब मैक्सिमम होगा तब टी मैक्सिमम होगा, तभी तो वी मैक्सिमम होगा। जरा वी का फॉर्मूला देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू एल बटे एम। तो अगर v की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो t की भी तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी, है ना? सो v स्क्वायर का अगर हम मैक्सिमम वैल्यू चाहेंगे तो हमें t की भी मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, l बटे m। बस बेटा इसके पास तो वैल्यू पुट करके आंसर, टेंशन कितना है 25, लेंथ कितनी है 1.96, m कितना है बेटा 0.25, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ से पॉइंट हटा, 25 से 25 कटा, वी स्क्वायर 196 है, तो बेटा वी मैक्स कितना होगा, 196 का अंडर रूट 14 m/s, क्लियर? मैक्सिमम टेंशन कितना बेयर करेगा, जब मैक्सिमम स्पीड से चलोगे। सोच के भी समझ में आता है, बाहर की तरफ मैक्सिमम फोर्स को अंदर की तरफ की मैक्सिमम फोर्स बचा लेगी, और बाहर की तरफ की मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी, एम वी स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट 20 क्या है? CBSE LPMT 2010 सवाल क्या है? A gramophone record is revolving with an angular velocity omega. A coin is placed at a distance r from the center of the record. The static coefficient of friction is mu. The coin will revolve with the record if. अच्छा क्या है? देखो ये gramophone है. Gramophone. This is gramophone. It is revolving with angular velocity omega.
ये ग्रामाफोन घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, यही तो सवाल है। A gramophone record is revolving with an angular velocity omega. A coin is placed at distance r from the center of the record. ये center है। यहाँ से r distance पे एक coin रखा है। A coin is placed at a distance r from the center of the record. The static coefficient of friction is mu. The coin will revolve. ये है सवाल। The coin will, यहाँ पे सवाल है। जो actual question है वो ये है। क्या? The coin will revolve with the record if coin record के साथ घूमेगा if condition है। तो पहले दिमाग में आता है कि coin record के साथ क्यों नहीं घूमेगा, सवाल ही क्यों बन रहा है। The coin will revolve with the record, तो coin record के साथ घूमे if, इसलिए conditional है। The coin will revolve with the record if, क्या condition होगी सोचो। बेटा क्या करेंगे आप, चूहा बन के इस frame में आ जाओ, रोटेटिंग फ्रेम है, बाहर से डील करना अच्छी बात नहीं है। आप क्या करो, आप चूहा बनकर क्या करो, रिकॉर्ड पर बैठ जाओ। आप चूहा बनकर रिकॉर्ड पे बैठ जाओ, बस सवाल खत्म हो चुका है, खत्म बेटा। चूहा बन के जैसे ही आप बैठे, सबसे पहले पार्टिकल पे बाहर की ओर क्या लगाओगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने लगा दी, एफ सेंट्रीफ्यूगल, यस और नो। जैसे ही आप चूहा बन के बैठोगे, सबसे पहले आप किस में आ गए, रोटेटिंग फ्रेम में। कब लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब ऑब्जर्वर कहां हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अप्लाइड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अप्लाइड ओनली व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रोटेटिंग फ्रेम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अप्लाइड ओनली व्हेन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अप्लाइड ओनली व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रोटेटिंग फ्रेम। आपने क्या किया, आप चूहा बनकर बैठ गए, सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाई, अब दिमाग चलाओ, अबे ये कॉइन तो बाहर चला जाएगा, अरे बंधा थोड़ी ना किसी रस्सी से, सिक्का रखा हुआ है, अरे ये तो मैंने बताया है कि आर डिस्टेंस पे है, कौनो रस्सी वस्सी नहीं है यहाँ, कौनो रस्सी ना है, ये तो मैं बता रहा हूँ आर डिस्टेंस पे। अब सोचो किसी घूमती हुई चीज पे कोई चीज रखो तो उसे बाहर फेंका जाती है, देखा ही नहीं, कोई चीज बहुत तेजी से घूम रही है उसमें कोई चीज झुट से बाहर जाती है, पता ही नहीं, ऐसे की चीज बैठो झुट, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आए, कोई चीज आप इसे बैठे बाहर फेंक जाते हैं, फील हुआ, तो ये कॉइन भी बाहर फेंका जाएगा, यही तो प्रॉब्लम है। द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड, अब इसको बाहर नहीं फेंकने देना है, कॉइन रिलेटिव मोशन कर रहा है रिकॉर्ड के रिस्पेक्ट में, बाहर जाना चाह रहा है, बाहर जाने से कौन रोकेगा, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कहां लगता है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट में, तो अंदर की तरफ कौन सी फोर्स आ जाएगी इसको बचाने के लिए, फ्रिक्शन फोर्स। खेल समझ में आया बाबू साहब, द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड इफ, ये कंडीशनल हो ही कैसे सकता है, यहां पे इफ लगा ही क्यों, क्योंकि क्योंकि कॉइन जैसे ही रखोगे और रिकॉर्ड को तेजी से घुमाओगे तो कॉइन सुट से बाहर चला जाएगा, तो कॉइन जैसे ही बाहर जाना चाहेगा अंदर की तरफ कौन आ जाएगा, फ्रिक्शन देवता आ जाएंगे बचाने के लिए, कौन आ गए, फ्रिक्शन देवता। अब कह रहा है द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड इफ, अगर फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ी हुई तो यह बच जाएगा, और अगर फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल से कम हुई तो ये नहीं बचेगा, कौन सा फ्रिक्शन, लिमिटिंग, अगर ये लगने वाली फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा है तब तो इनके बचने कोई चांस नहीं, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फोर्स, पार्टिकल चली देगा, तब तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, खेल खत्म। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम है तो भाई ये हिल भी नहीं पाएगा, है ना, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो एफ लिमिटिंग है ना, कंडीशन क्या है, कॉइन विल रिवॉल्व, ये है कंडीशन एक्चुअल में, कॉइन रिवॉल्व्स, कॉइन रिवॉल्व्स विथ रिकॉर्ड, ये है एक्चुअल कंडीशन कि कॉइन भैया बाहर ना फेंकाए, तो कॉइन कैसे रिवॉल्व करेगा, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल से ज्यादा है, अब कितनी भी सेंट्रीफ्यूगल अगर लिमिटिंग उसको रोक लेगा, लगे बाहर फोर्स, फ्रिक्शन पकड़ के रखा रहेगा, नो रिलेटिव मोशन, तो बेटा एफ लिमिटिंग, तो बेटा क्या बोला मैंने, एफ लिमिटिंग मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सेंट्रीफ्यूगल, खत्म बेटा सवाल, बस अब वैल्यू रखनी है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एस इंटू एन, म्यू वहां पे दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू एन, ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बेटा एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, सो एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, इसका मास आप एम मान लो कॉइन का, है ना,
एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर और अंदर म्यू इंटू एन। अच्छा बेटा एन क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन इस पे? बेटा अगर ध्यान से देखो तो ये जो क्वाइन है ये इस पे रखा हुआ है, ये रहा क्वाइन, नीचे की तरफ फोर्स लगेगी एम जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एन, तो एन तो एम जी के बराबर ही है, सो म्यू इंटू एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो एम से एम कैंसिल। अब देख लो क्या निकालना है आपको, आपको आर को सब्जेक्ट बनाना है, तो आर को एक तरफ रखो बाकी सब इधर भेज दो। सो क्या आएगा, आर इज लेस देन इक्वल टू है ना म्यू जी बटे ओमेगा स्क्वायर, आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी बटे ओमेगा स्क्वायर, आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी बटे ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट डेथ वेल और रोटर। डेथ वेल आपने देखा होगा मौत का कुआं जिसमें बाइकर चलते हैं ढें 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 और गोल गोल घुमाते रहते हैं, मौत का कुआं सर्कस में लगता है, एग्जीबिशन में लगता है गोल गोल, और रोटर भी कह सकते हैं। ये क्या है बेटा, ये रोटर है, ये रोटेट करेगा। वाह सर तालियां बननी चाहिए सर इसके लिए, तो रोटर है रोटेट करेगा बेटा, ये रोटर रोटेट किया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। आप मान लो यहां पे खड़े हो, आप खुद मान लो यहां पे खड़े हो, तो चांसेस क्या है कि आप नीचे गिर जाओगे। बट डेथ वेल में आपने देखा होगा जो बाइकर्स होते हैं वो नीचे नहीं गिरते है ना, अगर आपने डेथ वेल देखा हो मौत का कुएं वाला वो खेल देखा हो, तो मौत के कुएं में क्या होता है जो बाइकर्स होते हैं वो नीचे नहीं गिरते है ना, वो घुमा ले जाते हैं इसके ऊपर गाड़ी, डेरे धूम 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 हाँ है ना, तो वो क्या करते हैं घुमा ले जाते हैं गाड़ी इसके ऊपर। तो कैसे घुमा ले जाते हैं सर, गिरे का ही नहीं, ग्रेविटी नहीं है, नहीं उनके ऊपर ग्रेविटी नहीं लगती ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या हुआ होगा खेल और फोर्सेस सोचे, तो बेटा इसके ऊपर सबसे पहले नीचे की तरफ फोर्स लगेगी कौन सी, एम इन टू जी एम जी, सबसे पहले इसका वेट लगा नीचे की ओर, ऊपर की तरफ बेटा इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन, कहेगा रुक जा चांद चहर जारे चंदा है ना बेटा, नीचे की तरफ क्या लगी इसके ऊपर, नीचे की तरफ लगी ग्रेविटी कि चल बेटा नीचे गिर जा। इसको बचाता कौन है, बचाता है इनके बीच का फ्रिक्शन, कहता है रुक जा भाई, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन इससे ज्यादा होगा तो ये बच जाएगा। अच्छा और फोर्स बताओ बेटा इसके ऊपर कौन सी है, एक काम करें रोटर के अंदर चूहा बनकर बैठ जाए, मैं चूहा हूँ, रोटर के अंदर चूहा बन के बैठ गए, जैसे ही चूहा बन के बैठे बेटा इस बाइक के ऊपर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगी, एफ सेंट्रीफ्यूगल और बेटा कोई फोर्स, हाँ इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस इसके ऊपर क्या लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, बोलो क्लियर है। तो ये सारी फोर्सेस के मिले जुले कारण से ये टिक जाएगा, कैसे टूटेगा टिकेगा मैंने पूरी कहानी आपको एक एक करके बता दी। सबसे पहले नीचे की तरफ कौन लगी, ग्रेविटी फोर्स, तो एमजी की वजह से इसको गिर जाना चाहिए, बचाया किसने, फ्रिक्शन ने है ना, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन एमजी से ज्यादा है तो ये बच जाएगा, और अगर लिमिटिंग भी एमजी से कम है तब तो भाई ये घिसट घिसट के नीचे आ जाएंगे है ना। हम चूहा बन के अंदर बैठे क्योंकि ये रोटेटिंग फ्रेम है, कैसा फ्रेम है मुन्ना राजा बेटा मेरा अच्छा अच्छा सोना सा, कैसा फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम है। तो बेटा अगर ये रोटेटिंग फ्रेम है तो क्या लगा दोगे बाहर, एफ सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया मास्टर, एफ सेंट्रीफ्यूगल, और बेटा अंदर की तरफ इसके ऊपर क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में। तो बेटा अगर ये बैलेंस बनाए हुए हैं तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, एफ सेंट्रीफ्यूगल के, और बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर बोल लो या एम आर ओमेगा स्क्वायर बोल लो, जो तुम्हें अच्छी लगे है ना। अब बेटा अगर ये नहीं गिर रहा है तो इसके बचने की कंडीशन क्या है, बचने की कंडीशन कि ये टंगा रह जाए, तो बचने की कंडीशन बेटा यही है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो एम जी को पार किया रहे पूरे टाइम। लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, एन कितना है बेटा एम आर ओमेगा स्क्वायर, सो म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, यहाँ से बेटा एम और एम कैंसिल हो गया, यहाँ से इसकी एंगुलर स्पीड मिली ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी अपॉन आर इंटू म्यू, ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी अपॉन आर इंटू म्यू, सो ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर इंटू म्यू, तो कम से कम इतनी एंगुलर स्पीड से घूमो तभी बचोगे, इसीलिए अगर इसके ऊपर धीमी धीमी बाइक चलाओगे तो गिर जाओगे, हौले हौले चलाओगे तो गिर जाओगे, कम से कम इससे ज्यादा एंगुलर स्पीड उठाओ तभी बचोगे। सवाल आ गया नीट 2019, सवाल क्या है, द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। अब देखो वही है, ये रोटर वाली कहानी है, ये रोटर है ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, एम मास रखा है, और इसको हमें क्या पूछ रहा है, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो पुराना वाला पूरा प्रोसेस रिपीट कर देना अगर तुम्हारा मन कर रहा हो ना, अगर तुम्हारे दिल में बहुत ही ऐसी जगह है तो प्रोसेस रिपीट कर लेना। ओमेगा कितना होना चाहिए बेटा, ओमेगा मिनिमम कितना होना चाहिए, अंडर रूट जी अपॉन आर इंटू म्यू, बेटा खत्म हो गया सवाल, जी की वैल्यू रख दो 10,
आर की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 0.1, ये पॉइंट हटा ऊपर जीरो रखा, अंडर रूट 100 कितना हो गया 10, यूनिट क्या होगी रेडियन पर सेकंड, तो 10 रेडियन पर सेकंड। ये हो गया डेथ रोटर, डेथ वेल या रोटर का सवाल। नेक्स्ट है बेटा कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, देखो एक पेंडुलम तो होता है ये वाला टेढ़े टेढ़े, एक होता है शक 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 शक, यहाँ जैसे पकड़ के गेंदा को ऐसे ऐसे घुमा दो, है ना, एक रस्सी में एक गेंदा लटकाओ, ये रस्सी में गेंदा लटकाई और इसको ऐसे घुमा दिया टक 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 टक, ठीक है, इसको कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं। इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म समझ लेते हैं बेटा। इस मास पे चूहा बन के बैठ जाए, सबसे बेटर तो कहानी तभी सॉल्व होगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चूहा बनकर बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, तो चूहा बन के हम एम पे बैठ गए सबसे पहले। तो आओ फोर्सेस देखते हैं, कॉनिकल पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमने वाला पेंडुलम, यूं 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 देखते, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो मैं आपको रटवा दूं, पर इसका मैकेनिज्म भी बता रहा हूं, क्या पता सवाल अंदर से आ जाए। तो यूं 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 घूमने वाले को कॉनिकल बोलते हैं। तो बेटा नीचे की तरफ फोर्स लगेगी इस पे mg, और आप चूहा बनकर बैठ गए हो तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, और इस वायर में क्या लगेगी, धागे में क्या लगेगी, टेंशन लगेगी, ठीक है, ये तो ऐसे ही बना, ये है थोड़ी ना यहाँ पे, ये तो जस्ट फॉर फन, हाँ यही बस यूं ही ऐसे ही बना दिया करते हैं कभी कभी हम, कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी लाइनें बेवजह बना दिया करते हैं। ओहो ये काफ़ी खूबसूरत लाइन है, हाँ, सो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये टेंशन टी है बेटा। अगर मैं यहाँ से टका टुकू करूँ तो ये एंगल थीटा करूँ, टी का इधर कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा और टी का इधर कॉम्पोनेंट टी साइन थीटा, आप समझ गए हो कौन किसको बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। सो टी साइन थीटा बैलेंसेज एफ सेंट्रीफ्यूगल, बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या लिख सकते हैं अपन, एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख दो या एम वी स्क्वायर बाई आर लिख दो, जो तुम्हें अच्छा लगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर लिख दो या एम वी स्क्वायर बाई आर लिख दो, जो तुम्हें अच्छा लगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और टी कॉस थीटा बेटा किसके बराबर होगा, टी कॉस थीटा हो जाता है अपना एम जी के बराबर, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर रख दो, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन तुम्हें दिख जाएगी, तुम्हें भी मजा आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। बेटा क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर लोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी आ जाएगा। तो बेटा ये बड़ी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये आपको बैंकिंग ऑफ रोड में मिलेगी और कॉनिकल पेंडुलम में भी मिलेगी, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी, मान लो यहाँ थीटा पूछ ले, वेलोसिटी पूछ ले, तमाम चीज़ें पूछ सकता है। सो tan थीटा इज वी स्क्वायर बाई आर जी, है ना, यहाँ पे आपसे tan थीटा पूछ ले, ये पूछ ले, टेंशन पूछ ले, इसलिए पूरी कहानी पढ़ाना जरूरी है। सो tan थीटा इज वी स्क्वायर बाई आर जी, मान लो यहाँ टेंशन पूछ ले बेटा, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, जब स्क्वायर करके ऐड करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा और टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, टेंशन कितना आएगा, अंडर रूट एम वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, तो ये तो हुई अपनी टेंशन। मान लो टेंशन पूछ रहे तो क्या करो, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वन हो गया टी स्क्वायर और टी इज इक्वल्स टू फिर अंडर रूट रख दिया, ठीक है, ठीक है, ये हो गई कहानी। और बताओ बेटा क्या हो सकता है, और टाइम पीरियड होता है बेटा इसका, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा सा रट लो यहीं पे भी, टाइम पीरियड कितना होगा बेटा, टाइम पीरियड बेटा इसका टी, टी लिख रहा हूँ टाइम पीरियड को, क्या करूँ, टेंशन भी टी ये भी टी, है ना, तो टाइम पीरियड होता है बेटा इसका टी इज इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट, जरा ध्यान से देखो बेटा, जो नॉर्मल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, यस यू आर राइट, अगर ये लेंथ L है तो और ये बॉब का मास M है तो टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी होता है ना। अब यहाँ पे देखो लेंथ कैसी है, ये है L है, ये वाली लेंथ L नहीं है, इस बार ये लेंथ L है, ये बार लेंथ L है, ये वाली ये हाँ 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 ये है बेटा, जब ये लीनियर वाली लेंथ L रहती है तो टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। अब यहाँ पे ये लेंथ L है तो बेटा L का इधर कॉम्पोनेंट कितना आएगा, ये वर्टिकल लेंथ कितनी होगी, L cos थीटा, खत्म हो गया, तो आप L cos थीटा बाई जी, समझ में आई बात, यहाँ पे हम कौन सी लेंथ लेते हैं, वर्टिकल लेंथ लेते हैं, कितनी होती है, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, यहाँ पे ये वाली लेंथ L है तो वर्टिकल लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी होगी, L cos थीटा, व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी, व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी L cos थीटा, तो सिंपल बेटा एनालॉगी लगाई, 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा बाई जी। अब आपसे कोई एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले यहाँ पे,
आपसे कोई एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले तो बेटा टी निकाल चुके हो तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे नहीं बता पाओगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। और बेटा वी निकाल लोगे तो वहां से एंगुलर वेलोसिटी क्यों नहीं बता पाओगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर। तो ये सारे सवाल कोनिकल पेंडुलम से बन सकते हैं, इससे ज्यादा क्या ही बनेगा भाई। टेंशन पता चल गई, एंगल पता चल गया, लीनियर वेलोसिटी पता चल गई, एंगुलर वेलोसिटी पता चल गई, टाइम पीरियड पता चल गया। क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया, यहीं पे छोड़ा जाए आप लोग को। चलो यहीं पे आज की सभा को करते हैं समाप्त, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।